श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा निवासाय श्रीरामचंद्राय उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ सीता न तो हम राम वल्लभा सीता नाथ समारंभा श्री राम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तान् नमामि परमेश्वरी नमामि परमेश्वरी नमामि परमेश्वरी। कृष्णाभ्यां नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा प्रेममयो जीवने जीवने
सर्वेश्वर सर्वाधिपति एक तो संकल्प और दूसरा प्रयास। या तो हम संकल्प कर सकते हैं, संकल्प के बाद प्रयास कर सकते हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु इन दो से ही काम चलने वाला नहीं है, दूसरा प्रयास एक तीसरे के भी आवश्यकता है। क्या? तो वह है अनुग्रह रस, भगवान की कृपा का रस। संकल्प शब्द के साथ भीष्म जी का नाम जोड़ा गया है और प्रयास के साथ भगीरथ जी का नाम जोड़ा गया है। भीष्म प्रतिज्ञा, भगीरथ प्रयास। व्यक्ति किसी भी कर्म को करने के लिए, क्रिया के संपादन के लिए सर्वप्रथम दृढ़ निश्चय करे कि मुझे यह करना ही है, यह है संकल्प। संकल्प के पश्चात उस संकल्प की पूर्ति हेतु वह प्रयास करे, और प्रयास कैसा हो तो भगीरथ प्रयास, ऐसा प्रयास जो सांगता सिद्धि को देने वाला हो, तब जा करके भगवान की वह कृपा प्राप्त होती है और कार्य पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपादित हो पाता है। श्री शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में तीन बातें ऐसी हैं जो बड़ी ही दुर्लभ हैं, मुश्किल से प्राप्त होती हैं। ध्यान से सुनिए कौन कौन सी तीन बातें। तो शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभत्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संश्रयः। तीन बातें ऐसी हैं जो बड़ी ही दुर्लभ हैं और भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। सबसे पहला मनुष्यत्व प्राप्ति हो, आपको मानव जीवन मिल गया, मानव शरीर आपको मिला है, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपको यह जो हमको यह जो मानव शरीर मिला ना, इसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश हमारा भी जन्म भारत देश में हो और हम प्रभु की भक्ति कर पाए। भगवान की यह कथा आपको स्वर्ग लोक में सुनने को नहीं मिलेगी, वैकुंठ लोक में सुनने को नहीं मिलेगी, सत्य लोक में, कैलाश लोक में सुनने को नहीं मिलने वाली, यह तो केवल यही मिलेगी पृथ्वी लोक में। इसलिए मनुष्य की योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि बताया गया। अरे मनुष्य तो देवता से भी श्रेष्ठ है।
अधिकतर लोगों को हमने देखा है कि वे स्वर्ग लोक की कामना करते हैं कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाए। भैया स्वर्ग बहुत ही तुच्छ चीज है, निकृष्ट है स्वर्ग। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए पुण्यात्मा है, पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, परंतु जिस दिन आपका वह पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन आपको पुनः इसी मृत्यु लोक में ही आना है, इसी पृथ्वी में ही आना है। तो जब स्वर्ग लोक इस पृथ्वी में ही आने का द्वार है तो हम वहां क्यों जाएंगे? इससे अच्छा तो हमें प्रभु की भक्ति करके उनके वैकुंठ धाम को ही जाना चाहिए, जहां से आवागमन का यह संसार चक्र ही छूट जाए, हमको आना ना पड़े। यहां बैठ करके आप भक्ति और श्रद्धा से भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, तो यह मनुष्य शरीर आपका श्रेष्ठ है। मानव जीवन का लक्ष्य मात्र केवल एक ही है, वह है प्रभु की भक्ति प्राप्त करना। आजकल के प्राणी जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस पथ के वे पथी कहे, वह पथ उनके लिए योग्य नहीं है। अरे इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हमें तो उस सीमा तक जाना है जिसके आगे कोई बचे ही ना, जाने का रास्ता ही ना हो, अर्थात भगवान श्री नारायण हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे कि वत्स अब तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ले मैं ही तेरे पास आ गया। हमारे इस मानव जीवन को सिद्ध करना है तो सबसे दुर्लभ बात है पहली मनुष्यत्व की प्राप्ति होना, दूसरी बात मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या है? तो मन में मुमुक्षा की भावना जागृत होना, मुमुक्षा अर्थात मुक्ति। मानव जीवन व्यक्ति को मिल तो गया, मानव जीवन मिलने के बाद यदि उसके मन में मुक्ति की इच्छा नहीं है तो वह मानव जीवन उसका व्यर्थ है। इसलिए मानव जीवन को प्राप्त करके व्यक्ति को प्रभु की भक्ति ही करनी चाहिए, जिससे कि उसे मुक्ति की प्राप्ति हो। और यह मुक्ति कैसी मिलेगी, कहां मिलती है यह मुक्ति? भगवान का भजन हम कैसे करें, कौन बताएगा? तो सबसे दुर्लभ तीसरी बात कहते हैं शंकराचार्य जी, वे कहते हैं महापुरुष। महापुरुषों का संश्रय, उनका आश्रय प्राप्त होना, यह तीसरी सबसे दुर्लभ बात है। पहला मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व और तीसरा महापुरुषों की संगति, सत्संग की प्राप्ति होना, यह तीन बातें सबसे दुर्लभ बताई गई है। और आज आप सभी को भी यही महापुरुष संश्रय प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा के रूप में यह अष्ट दिवसीय सत्संग की आप सभी को प्राप्ति हो गई है, यह बड़ी दुर्लभ बात है। अच्छा यह भागवत क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो कहते हैं भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वह भागवत है। तो भगवान ने कहा क्या है? भगवान ने तो गीता भी कही, उसे तो भागवत नहीं कहते, उसे तो गीता कहते। तो आखिर भगवान ने कहा क्या है? तो कहते हैं भगवता प्रोक्तम प्रोक्तम, जो सबसे पहले भगवान ने कहा वही भागवत है।
और सबसे पहले भगवान ने कहा क्या है, चतुःश्लोकी भागवत, जिसका उपदेश उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। आगे चलकर हम इसकी चर्चा करेंगे, पर उसी चतुःश्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया है, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने उस चतुःश्लोकी चार श्लोकों के भागवत को 18,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए श्रीमद् भागवत जी के इस कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम प्रभु को पुकारें कि हे प्रभु, इस संसार के सहारे रहते रहते मैंने यह तो देख लिया कि अंत समय में काम आने वाला यह संसार नहीं है। प्रभु, इस जगत का आधार तो आप ही हैं, और मुझे इस दुनिया की अब बिल्कुल भी चाह नहीं है। मेरा मन भर गया इस दुनिया से, मात्र मुझे तो यही चाहिए कि एक नजर आप मुझे इस करुण भक्त पर डालें। इसी भाव के साथ आइए हम प्रभु को पुकारें। वो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, मुझे सहारे दुनिया की, बस तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। Thank you.
सभी ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया। समय की अल्पता के कारण हमने संक्षेप में ही कल के महात्म्य को जाना, श्रीमद् भागवत जी की महिमा को जाना कि श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य को सुनना क्यों चाहिए, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन करके हमें फायदा क्या होता है। इसमें आपने विशेष रूप से भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति, तत्पश्चात गोकर्णोपाख्यान की कथा को श्रवण किया। आपने कल श्रवण भी किया था कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने का नियम क्या है। दिवस का निश्चय हम कैसे करें, धन का खर्च हम कैसे, किस प्रकार के वक्ता का इस कथा में वर्णन करना चाहिए, वक्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आइए इस बात पर हम चर्चा करें। तो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य कहता है कि जिस वक्ता का वर्णन किया जाए उसमें सात गुण विद्यमान होने चाहिए। कौन कौन से सात गुण हैं? तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहः। विरक्तो, पहला तो वह विरक्त हुआ, विरक्त अर्थात संपत्ति में उसकी आसक्ति ना हो, संसार में उसकी आसक्ति न हो, ऐसा विरक्त है, वही तो वक्ता के आसन पर विराजित हो सकता है। दूसरा विप्रो, विप्र हो अर्थात उसने वेद का अध्ययन किया। तीसरा वैष्णव हो अर्थात भगवान विष्णु जी को मानने वाला। कई ऐसे व्यक्ति हमको भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम शिव जी को मानते हैं, विष्णु को नहीं मानते।
या विष्णु जी को मानते हैं शिव जी को नहीं मानते, या दोनों को मानने वाले मिलते हैं तो कहते हैं कि विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, शिव जी कम श्रेष्ठ हैं। भैया हरि और हर में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। हरि के आराध्य हर हैं और हर के आराध्य हरि है। भगवान विष्णु भगवान शिव का चिंतन किया करते हैं और भगवान शिव सदा भगवान श्री राम के नाम का ही जप करते हैं। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वम, ये शिव जी का स्वरूप है। हाथों में रुद्राक्ष की माला और हृदय में भगवान श्री कृष्ण नारायण राम उनके हृदय में विराजित है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है और कहते भी हैं कि भगवान विष्णु से बड़ा कोई शैव नहीं है और भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, दोनों समान हैं। तो जो वक्ता हो वह वैष्णव हो, भगवान विष्णु में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। चौथी बात, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया तभी तो वह वक्ता के आसन पर विराजित हो सकता। वेद और शास्त्रों का अध्ययन करके उसको बताने में वह सक्षम है। यह चार बात हो गई। पांचवी बात, दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में कुशल हो, इधर उधर की ज्यादा बात न करें, कथा से संबंधित ही दृष्टांत प्रदान करें। वक्ता में पांचवा है धीरो, अर्थात धैर्य धारण करने वाला, धीरज उसके मन में हो। यह नहीं कि हर दो मिनट में क्रोध ही करता है, शांत धीरज हो उसके मन, यह छठवी बात। और सातवीं बात, वक्ता कार्य अति निष्प्रिय, वह अति निष्प्रिय हो, अर्थात जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, अधिक की चाह न रखे कि और हो जाता तो आनंद आ जाता। भैया प्रभु की इच्छा से जो मिल गया उसी में ही संतुष्टि रख ले, यह वक्ता का सातवा गुण है। ये सात गुण जिस वक्ता में हो उनको ही वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात हमने कल की कथा का यहीं पर विश्राम किया था। अच्छा एक बात बड़ी सोचनीय है कि भागवत जी की यह कथा सब कुछ देने में समर्थ है। क्यों क्यों क्यों, कल्पतरु की संज्ञा इनको दी गई है और कल्पवृक्ष के सामने जो कुछ मांगा जाता है वह सब कुछ प्रदान करती है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा भी सब कुछ प्रदान करती होगी। तो सोचने वाली बात यह है कि देश विदेश में बड़े बड़े पंडालों पर कथा हो रही है, लाखों लाखों आदमी बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, परंतु जहां पर कथा होती है वहीं पर चप्पल की चोरी ज्यादा होती है, वहीं पर पॉकेट और चैन मारे जाते हैं। तो ऐसा अधर्म क्यों? क्या भागवत जी की इस महिमा में कोई कमी है, या फिर वक्ता सही नहीं है, या फिर श्रोता सही नहीं है? जब तक ये तीनों सही नहीं है होंगे तब तक कथा निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो सकती। तो भागवत जी की महिमा में हम संदेह करें यह तो हमारे लिए मूर्ता होगी कि भगवान की सामर्थ्य की शक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वे तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। जरूर या तो वक्ता सही नहीं है या तो श्रोता सही है, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजनी चाहिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती।
तो वक्ता के गुण तो आपने सुन लिया कि सात गुण वक्ता में होने चाहिए, ऐसा वक्ता का वर्ण हो, तब श्रोता में भी तो कुछ गुण होने चाहिए। श्रोता में क्या गुण है तो इसको भी जान लीजिए। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आपने बरसात के समय में, जब बरसात होने वाली थी, वर्षा होने वाली थी, तो किसी व्यक्ति को कह दिया कि भैया यह घड़ा रखा हुआ है, यह घड़ा ले जाकर के आंगन में रख दो, जब वर्षा होगी इसमें जल भर जाएगा तो उसका हम पान कर लेंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, वर्षा बंद हुई। आपने आगे वाले व्यक्ति से कहा कि भैया वर्षा तो बंद हो गई, अच्छा चलो अब घड़ा लाओ उसका जल पिया जाए। उस व्यक्ति ने घड़ा लाया तो देखता है उसमें तो जल है ही नहीं। जल क्यों नहीं था? तो कहते हैं वह घड़ा उल्टा रखा हुआ था। उल्टे घड़े में जल थोड़ी आएगा। अगली बार आपने पुनः उससे कहा कि भैया अब पुनः वर्षा होने वाली है, इस बार घड़ा रखोगे तो उसको सीधा रखना, उल्टा मत रखना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, पुनः वर्षा हुई। वर्षा के बाद आपने पुनः घड़ा मंगाया तो देखते हैं उसमें फिर से जल नहीं। अब क्यों जल नहीं था? तो कहते हैं उस पर ढक्कन लगा हुआ था। अब जब घड़े में ढक्कन है तो उसमें जल थोड़ी ना आया। आपने पुनः उस व्यक्ति से कहा कि भैया अब ध्यान रखना, घड़े को सीधा रखना, उस पे ढक्कन मत रखना, तभी तो जल इसमें आएगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगली बार फिर वर्षा हुई। वर्षा के बाद आपने पुनः घड़ा मंगाया तो देखा तो उसमें फिर से जल नहीं। अब क्या हुआ? तो कहते हैं उस घड़े पे छेद था। जब घड़े में छेद होगा तो जल कहां से आएगा? आपने पुनः ध्यान रखा, आगे वाले व्यक्ति से कहा कि भैया घड़े को ध्यान से रखना, सीधा रखना, ढक्कन मत रखना और बिना छेद वाला घड़ा रखना, तब तो उसको हम पान कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वर्षा जब बंद हुई, आपने पुनः घड़ा मंगाया तो देखते हैं उसमें जल लबालब भरा हुआ है, परंतु आप उस जल को पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस जल में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, और जब घड़े में गंदगी होगी तो उसका जल भी गंदा होगा। ऐसे जल को आप पान कैसे कर पाओगे? तभी आपने पुनः ध्यान दिया कि भैया इस बार घड़ा रखोगे तो देखना वह साफ सुथरा हो, उसमें कोई छेद ना हो, वह घड़ा उल्टा ना रखा हो, उस पे ढक्कन ना हो, तभी तो हम जल पान कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। आपने घड़ा मंगाया, देखा तो वर्षा के बाद उसमें पुनः जल भरा हुआ था और आपने उस शीतल जल का पान किया है और आप तृप्त हो गए। इसी प्रकार की स्थिति तो अभी भी है। भगवत कथा अमृत की वर्षा हो रही है, सत्संग में श्रीमद् भागवत जी की कथा की वर्षा हो रही है, और आप सभी यहाँ जो विराजमान हैं, आप सभी उस घड़े के ही समान हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मत्सर का, द्वेष का वह ढक्कन आपके ऊपर लगा हुआ है, आपका वह मन का घड़ा उल्टा रखा हुआ है, उस पे ये सभी विकार रूपी गंदगियां पड़ी हुई हैं, काम छिद्र आदि उसमें छेद हैं, जिस कारण से भगवान की यह कथा अमृत आपके मन में टिक नहीं पाती। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते भी हैं रामचरितमानस में, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि
कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। मुझे छल कपट छिद्र ये पसंद नहीं है। जिसके मन में ये सभी भरे होंगे वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की कथा भी उसी व्यक्ति के हृदय में विराजित होगी जो इन सभी से परे है, जो सदा प्रभु की निष्काम रूप से भक्ति करता है। गृहस्थ में है परंतु अपने गृहस्थ में आसक्त नहीं। संसार में जी रहा है परंतु जीते हुए भी वह इस संसार में आसक्त नहीं, सदा प्रभु का ही स्मरण करता है। ऐसा ही व्यक्ति प्रभु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप सभी से भी मेरी प्रार्थना है कि आप सभी श्रोता के रूप में यहाँ विराजमान हैं, तो अपने मन को एकाग्र चित्त कर लीजिए। यह कथा चल रही है नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी के मन से हुई है। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र जाकर के शांत हो गया था वही स्थान चक्र तीर्थ कहलाया है। इसलिए आप भी अपने मन को शांत कर लीजिए। दुनियादारी के जितने काम हैं उसको किनारे करिए और प्रभु में मन लगा करके प्रभु की यह सुंदर कथाओं को श्रवण कीजिए। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत जी की इस दिव्यतम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री व्यास जी नारायण श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, अर्थात मंगल स्मरण। जो मंगल है उनका स्मरण करना यही मंगलाचरण है। और तीन श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया है। सबसे पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतन्वयादि तरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। अच्छा, यह जो पहला मंगलाचरण है एक बड़े मूर्धन्य विद्वान हुए श्री बंसीधर शास्त्री जी, उन्होंने मात्र इस एक श्लोक की 108 व्याख्या की है। 108 अलग अलग अर्थ, एक एक शब्द के 108 आठ अर्थ। सोचिए कैसा यह श्लोक है और दिव्य भी है यह श्लोक। मंगलाचरण के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज ने यहाँ पर नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। किसको? ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है, विष्णु जी को प्रणाम किया है, शिव जी को प्रणाम किया है कि किसी विशेष देवी देवता को प्रणाम किया है? कहते हैं नहीं, किसी विशेष देवी देवता को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने प्रणाम किसको किया? तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उनको प्रणाम करता हूं। और परम सत्य तो सब में विराजमान है। आप में भी सत्य विराजमान है, मुझ में भी सत्य विराजमान है, इस जगत में भी सत्य विराजमान है। और सत्य का कभी नाश ही नहीं होता। शक्ति रूप से जागृत अवस्था में चेतनता के रूप में वह सत्य हमारे भीतर विराजमान है। देवताओं की जो शक्ति है उसमें भी वही शक्ति विराजमान है। प्रभु नारायण में जो उत्पत्ति पालन और संहार की शक्ति है वही तो आदि शक्ति है।
श्री व्यास नारायण ने उस परम सत्य को नमस्कार किया। तत्पश्चात वे दूसरा श्लोक लिखते हैं। दूसरे श्लोक में भी कहते क्या है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। यह भी बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में चार अनुबंधों का वर्णन है, अर्थात श्रीमद् भागवत जी का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा क्या है, इसके बारे में बताया गया। श्रीमद् भागवत जी को सुनने का अधिकारी कौन है, किसको सुनना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। श्रीमद् भागवत जी का किससे संबंध है, यह बताया गया। और श्रीमद् भागवत जी को सुनने से क्या होता है, क्या मिलता है, ये चार अनुबंध, इन चारों के बारे में इस श्लोक में बताया गया। तो सबसे पहला जो अनुबंध है यह है विषय, कि श्रीमद् भागवत जी का विषय क्या है। तो कहते हैं धर्म प्रोज्झित कैतव, अर्थात कपट रहित धर्म का निरूपण इस श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। इसमें कपट नहीं है, यह किसी धर्म संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है कि इसे केवल हिंदू ही सुनेंगे, यह तो सबका ग्रंथ है। धर्म प्रोज्झित कैतव, कपट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यह तो इस समाज को सुंदर प्रेरणा प्रदान करती है। यह ग्रंथ सनातनियों के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सिख के लिए भी है, हर एक एक जीव और प्राणियों के लिए है। यह तो हुआ इसका विषय। अच्छा, इसके अधिकारी कौन है, किसको इसे सुनना चाहिए। तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है, निर्मत्सर अर्थात जिसके मन में मत्सर ना हो। मत्सर जानते हैं, नहीं जानते? मच्छर वो तो जानते होंगे, ऐसा ही मत्सर भी। मच्छर जो होता है यह बाहर से काटता है ना, और जो मत्सर है यह अंदर से काटता है। काटते दोनों हैं। मत्सर कैसा काटता है, तो ईर्ष्या से, द्वेष से। आपके पड़ोसी ने चार मंजिला बिल्डिंग बना लिया, तो उसे देख करके यदि आप जलते हैं तो आपके मन में मत्सर है। किसी की उन्नति को देख करके यदि आपको कष्ट होता है तो आपके मन में मत्सर है, और जिसके मन में मत्सर है वह इसका अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सता, जो निर्मत्सर व्यक्ति है वही इसका अधिकारी हो सकता है। यह हुई दूसरी बात। तीसरी, इसका प्रयोजन क्या है, इसको सुनने से होता क्या है। तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम्, त्रय ताप उन्मूलनम्, तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन, नाश हो जाता है। नाश ही नहीं होता, उन्मूलन नाश होता है, मूल सहित जड़ सहित नाश होता है।
आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, मानसिक जितने भी ताप है, टेंशन है, यहाँ कथा में आकर के बैठिए। हर प्रकार का आपका, आपकी जो चिंता है वह तुरंत ही दूर हो जाएगी। लोग प्रातः काल उठ करके मेडिटेशन करते रहते हैं, भैया इससे बड़ा मेडिटेशन कुछ नहीं है। यहाँ आ गए पूरी तरह से शांत ही हो जाओगे, भगवान की कथा ही ऐसी। अध्यात्म के जितने भी ताप हैं, देवताओं के द्वारा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बारिश ज्यादा हो गई या अकाल पड़ गया, देवता आपको सता रहे हैं, तो ये जितने भी दुख हैं, ताप हैं, इन सब का नाश श्रीमद् भागवत जी की कथा से हो जाता है। और तीसरा, जो भौतिक ताप है, इस संसार के प्राणियों के द्वारा मिलते हैं, व्यक्ति को संतान नहीं हो रही तो संतान का दुख है, संतान हो गई, संतान उद्दंड निकल गया तो उसका दुख है, व्यक्ति के अनेक सारे शत्रु बन गए हैं, शत्रु से वह पीड़ित है, यह दुख है, तो इन सभी तापों का यह उन्मूलन नाश कर देती है। यह हुई तीसरी बात। और सबसे विशेष और चौथी बात है कि इसका संबंध किसका है, या यह किसका किससे संबंध कराती है, तो कहते हैं सद्यो हृदय वरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इसके श्रवण मात्र से, इस कथा को सुन लेने मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। मैंने कौन सा शब्द कहा, ध्यान दीजिए, भगवान आ जाते हैं नहीं कहा, भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अर्थात अवरुद्ध का मतलब है कि आप उठ करके जा नहीं सकते। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के समय उनका एक पीरियड होता है 40 मिनट का, उस 40 मिनट के पीरियड में उनको बैठना ही बैठना है, वे उठ करके नहीं जा सकते। वैसे ही जैसे ही आप इस कथा को भक्ति से, श्रद्धा से श्रवण करते हैं कि भगवान श्री हरि, उसी समय आकर के आपके हृदय में बंध जाते हैं। और बंधने की वह डोरी कौन सी है, भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति की वह डोरी है, भक्ति के बंधन में बंध करके प्रभु आपके हृदय में ऐसे विराजित होते हैं कि उनकी इच्छा पड़ती है फिर भी वे जा नहीं पाते। यह भक्त का भगवान से संबंध कराने वाली कथा है। इस श्रीमद् भागवत जी के होते हुए अन्य प्रयोजनों से क्या लाभ, यह हुआ दूसरा मंगलाचरण। तीसरा मंगलाचरण भी बहुत ही सुंदर है। व्यास जी महाराज लिखते हैं, निगम कल्प तरुर गलितम फलम शोक मुखाद मृता द्रव संयुतम पीबता भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम अर्थात वेद, वेद रूपी कल्पतरु का यह कैसा फल है, तो कहते हैं गलितम फलम, पका हुआ फल है। और पका हुआ फल तो है ही, साथ में यह कैसा है, तो वृक्ष में जब फल लगे होते हैं और उस फल को जब आकर के तोता अपना चोंच मार जाता है, तो हम कहते क्या है कि यह फल अधिक मीठा होगा, है ना। इसी प्रकार से यह भी कोई सामान्य फल नहीं है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और इसको भी तोते ने चोंच मार दिया। कौन से तोते ने, शोक मुखाद मृत द्रव संयुतम, श्री सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुख से मिश्रित कर कर इसे और भी मीठा बना दिया है, अमृत द्रव से संयुक्त कर दिया है। और
पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, आपने फल देखा होगा। तो इस पूरे संसार में ऐसा कोई सा भी फल नहीं है जिसमें या तो गुठली ना हो या छिलका ना हो। गुठली नहीं होगी तो छिलका होगा, और छिलका नहीं होगी तो गुठली होगा। दोनों तो होंगे ही, एक तो होंगे ही, परंतु श्रीमद् भागवत जी रूपी यह जो फल है इसमें ना तो छिलका है ना तो गुठली है। यह तो पका हुआ फल है और रसम आलयम, यह रस का भंडार है, रस रूपी फल है। इसमें तो फेंकने लायक कुछ है ही नहीं, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। इसलिए मोह रहो रसिका भूमि भावुका, हे रसिको आओ और इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत द्रव से संयुक्त वेद रूपी फल को ग्रहण करो। यह है तीन प्रकार का मंगलाचरण। तत्पश्चात श्री व्यास जी कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, आपने जितनी भी कथा श्रवण की होगी, चाहे वह सत्यनारायण जी की कथा हो चाहे अन्यत्र कोई सी भी पुराण की कथा हो, तो उसमें सुनने को यही आता है कि सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा। तो आखिर ये सूत जी महाराज कौन है और शौनक जी कौन है और 88,000 ऋषि मुनि कौन है, इनको जान लेते हैं। प्रारंभ में ऋषि हुए हैं गृत समद नाम के, गृत समद ऋषि के पुत्र हुए सुनक, और सुनक जी के यहां ही शौनक जी का जन्म हुआ। शौनक जी जब 8 वर्ष के हुए तो इनके पिता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, और कुछ समय के बाद जब इनका समावर्तन संस्कार अर्थात इनको गृहस्थ में भेजने लगे, इनका विवाह करने वाले थे, तब इन्होंने कहा कि पिताजी मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, मैं तो वैराग्य धारण करना चाहता, इसलिए आप तो मुझे वैराग्य की दीक्षा प्रदान कीजिए। पिता सुनक जी ने अपने पुत्र शौनक जी से कहा कि पुत्र यदि तुमको वैराग्य धारण करना है तो इसकी दीक्षा मैं तुम्हें अभी प्रदान नहीं करूंगा, इसके लिए तुमको तीर्थाटन और तपस्या करना होगा, तत्पश्चात ही तुमको वैराग्य की दीक्षा प्राप्त होगी। पिता से आज्ञा लेकर के श्री शौनक जी महाराज निकल पड़े तपस्या करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए। और तीर्थाटन करते करते घूमते फिरते उनको तपस्या के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला, तब अंत में वे आकर के बैठ गए प्रयागराज क्षेत्र में। प्रयागराज में आकर के जैसे ही उन्होंने अपना आसन जमाया है और तपस्या में लीन हुए हैं कि उसी समय आ गया माघ का महीना, और माघ के महीने में आप सभी को मालूम है कि प्रयागराज में बड़ा ही दिव्य माघ का मेला लगता है, चारों तरफ बड़े बड़े पंडाल बनने लगे, बड़े बड़े अखाड़े लगने लगे, लोगों की आवाज चारों तरफ से आने लगी, शांति उस स्थान पे रही नहीं ही नहीं कि उसी समय शौनक जी महाराज की वह तपस्या खुल गई। वे चारों तरफ देखने लगे तो सोचते हैं कुछ समय पहले जब मैं तपस्या में बैठा तब यह स्थान पूरी तरह से रिक्त था, अब तो यह स्थान भी भर गया, अब तो पृथ्वी में मुझे कोई अच्छा सा स्थान ही नहीं मिल रहा जहां मैं बैठ करके तपस्या कर सकूं।
तभी शौनक जी महाराज को उसी समय सामने भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखलाई पड़ा। शौनक जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भरद्वाज जी, पृथ्वी में तपस्या यज्ञ करने के लिए मुझे कोई उत्तम स्थान बताइए, जिस स्थान पर जा करके मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन कर सकूं। भरद्वाज मुनि ने कहा कि शौनक जी, आप भी कोई सामान्य नहीं हैं। तीर्थाटन करने के पश्चात यदि आपको कोई स्थान नहीं मिला तो मैं कैसे आपको स्थान बताऊं, तो क्या किया जाए। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि जिन्होंने यह सृष्टि बनाई है हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। कौन? ब्रह्मा जी। चारों भरद्वाज मुनि ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिन भी ऋषियों को भजन करना है, एकांत में रह करके तपस्या करनी हो, वह शौनक जी के पीछे पीछे चले जाएं। और यह ढिंढोरा पूरे इस पृथ्वी लोक में फैल गया और शौनक जी के पीछे 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। शौनक जी महाराज ने सभी को साथ लिया है और स्वयं अग्रणी होते हुए आगे आगे शौनक जी, पीछे पीछे 88,000 ऋषि मुनि चल रहे हैं और वे सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हमें भजन करने के लिए कोई स्थान बताइए जहां बैठ करके हम प्रभु का भजन कीर्तन कर सके, यज्ञ कर सके। तभी ब्रह्मा जी उसी समय अपनी आंखें बंद की है और अपने शरीर से एक मनोमय चक्र निकाला। यह ब्रह्मा जी का मन है जिसको उन्होंने बाहर निकाला, जो चक्र के रूप में था। ब्रह्मा जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, ध्यान से सुनो, यह जो मनोमय चक्र है यह पृथ्वी में जिस स्थान पर जाकर के शांत हो जाएगा, जिस स्थान पर इसकी नेमी जो नुकीला भाग है इसकी यह नेमी शीर्ण हो जाएगी, वही स्थान भगवत भजन करने के लिए उपयुक्त होगा। शौनक आदि सभी ऋषि उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे पृथ्वी लोक में आए और वह चक्र एक स्थान पर जाकर के गिरा, जिस स्थान को तदवनम तेन विख्यातम नैमिषम पूजितम, हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। यही नैमिषारण्य तीर्थ है और इसी नैमिषारण्य तीर्थ में जिस स्थान पर वह चक्र गिरा है उसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यही बैठ करके शौनक आदि ऋषि मुनियों ने 1,000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के जब 999 वर्ष पूरे हो गए, अंतिम का 1 वर्ष बचा, तब उस समय प्रातः काल शौनक आदि ऋषियों ने परम बुद्धिमान श्री सुत जी महाराज का पूजन किया है, उनको उत्तम आसन पर बैठाया और बैठा करके उनसे 6 प्रश्न किए। कौन कौन से 6 प्रश्न, आप सभी ध्यान से सुनिए। इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी श्री मद भागवत महापुराण की कथा लिखी गई है। यह 6 प्रश्न ही इस कथा के आधार है। पहला प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न है किम श्रेयः। शौनक जी महाराज सुत जी से पूछते हैं कि हे सुत जी, मनुष्यों के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, कौन सी कथा को वह सुने तो उसको भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होगी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः कः, शास्त्र तो अनेक हैं, वेद भी 4 हैं, अनेक उपनिषद हैं, पुराण हैं, तो इन सभी शास्त्रों पुराणों वेदों का सार क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, यह हमें बताइए। तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम,
हमने सुना है कि भगवान श्री नारायण अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं, तो उनके अवतार लेने का कारण क्या है, उन्होंने अवतार क्यों लिया? चौथा प्रश्न, किम कर्म, अवतार लेने के बाद वे क्या करते हैं, कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उनकी लीला कथाओं को हमें सुनाएंगे। पांचवा प्रश्न, के अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए हैं, और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, धर्मः कं शरणं गतः, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर के वैकुंठ चले गए, तो उन श्री कृष्ण जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, धर्म का क्या हुआ, इसके बारे में हमें बताइए। श्री सुत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों के इन प्रश्नों को सुना तो वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी समय अपने श्री गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हे मुनियों, लोक मंगल की कामना से तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म क्या है? तो मनुष्य का परम धर्म वही है, यतो भक्तिरधोक्षजे, जिस कर्म को करने से भक्ति की प्राप्ति हो। और वह भक्ति भी कैसी हो, तो अहैतुकी भक्ति हो, अप्रतिहत भक्ति हो, अर्थात वह भक्ति क्षण मात्र की ना हो, सदा सर्वदा बनी रहे ऐसी वह भक्ति हो, कम ना होने वाली भक्ति हो। यदि ऐसी भक्ति मनुष्य को मिल जाए तो उससे बड़ा परम धर्म व्यक्ति का कुछ होता ही नहीं है। मनुष्य को यह मानव जन्म मिला, यह मानव जन्म मिला है उस तत्व की खोज के लिए कि वह परम तत्व कौन है, क्या है, इसकी जिज्ञासा के लिए वह परम तत्व मिला है। और उसी परम तत्व को विद्वान जन अनेक नाम से पुकार देते हैं। वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। तत्व तो एक ही है, वे प्रभु एक ही है, परंतु लोग अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वास के द्वारा उनके नाम में भेद करते हैं और उनमें भी भेद कर देते हैं। कोई उनको ब्रह्म कहता है, कोई उनको परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई नारायण कहता है, परंतु तत्व एक ही है और वही परम तत्व अपने भक्तों पे कल्याण करने के लिए, जीव मात्र पे दया करने के लिए, उनके उद्धार के लिए अनेक अवतार ग्रहण करते। वह परम तत्व अवतार ग्रहण करता है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, प्रभु के अनंत अवतार हैं। परंतु इनमें जो प्रमुख अवतार हैं, आइए उनके नाम हम जान लें, जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवत जी में होने वाली है। वैसे तो भागवत जी में यहाँ पर 22 अवतार के नाम बताए गए हैं, परंतु प्रभु के 24 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। भगवान का जो प्रथम अवतार हुआ है, यह ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाइयों के रूप में हुआ। भगवान का दूसरा अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए वाराह के रूप में हुआ। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, चौथा अवतार नर और नारायण जी के रूप में,
पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की, सगुण सांख्य शास्त्र की शिक्षा प्रदान की। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में, सातवा रुचि नामक प्रजापति, आठवा नाभि, नवमा पृथु भगवान, दसवा मत्स्य अवतार, ग्यारहवा कच्छप, बारहवा धनवंतरी, तेरहवा मोहिनी, चौदहवा दृसिंह, पंद्रहवा वामन, सोलहवा परशुराम, सत्रहवा वेदव्यास, अठारहवा श्रीराम, उन्नीसवा बलराम, बीसवा श्री कृष्ण, इक्कीसवा हंस, बाईसवा हरि, तेईसवा बुद्ध के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। और चौबीसवा अवतार कलयुग के अंत में जब सर्वत्र अधर्म ही अधर्म दिखाई देगा, तो उसी समय संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान श्री कली अवतार ग्रहण करेंगे। बोलिए कल के भगवान की जय। यह हुए भगवान के 24 अवतार। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, तत्पश्चात मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से श्रवण किया है, और उस कथा को हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस श्रीमद् भागवत जी की रचना वेद व्यास जी ने की। वेद व्यास जी ने इसे सुखदेव जी को अपने पुत्र को सुनाया। सुखदेव जी ने इस कथा को परीक्षित को सुनाया है, और उसी कथा को हे शौनकादि ऋषियों मैं आप सभी को सुनाऊंगा। शौनक जी ने श्री सुत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुना। हे सुत जी महाराज, श्री वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत जी की कथा को किस स्थान पर लिखा है, कहां रचना की है, किस समय में रचना की है, और किस कारण से रचना की है, इसके बारे में हमें बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्याम कलया हरे। सोनक जी, द्वापर युग में महर्षि पाराशर जी के यहां इन कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वेद व्यास जी जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से भविष्य का दर्शन किया और देखा कि आने वाले समय में घोर कलयुग आने वाला है, और इस घोर कलयुग में सारे धर्म विलुप्त हो जाएंगे, धर्म का सही रूप हमको नहीं दिख पाएगा, प्राणियों के लिए भगवत प्राप्ति का कोई उत्तम साधन नहीं होगा। इसलिए उसी समय सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने वेद के चार भाग कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, वेद के चार भाग उन्होंने कैसे किए हैं। लोग कहते हैं कि पहले वेद एक था, वेद व्यास जी ने उसे चार भाग कर दिया तो वेद चार हो गए, ऐसा नहीं है। वेद पहले से ही चार थे। वेद व्यास जी ने उन चारों वेदों के चार चार भाग किए हैं। ऋग्वेद के चार भाग, यजुर्वेद के चार भाग, सामवेद के चार भाग, अथर्ववेद के चार भाग। पहला भाग किया उन्होंने मंत्र, दूसरा भाग किया ब्राह्मण, तीसरा भाग किया आरण्यक, और चौथा भाग किया उपनिषद। ये वेद के चार भाग हैं, इसलिए उनको व्यास नाम से हम जानते हैं। यत विस्तृतम कुर्यात् तद व्यासम जायते, जो विस्तृत करे उसे व्यास जानते हैं। इसलिए तो व्यास आसन पर विराजित होने पर ब्राह्मण देवता को भी व्यास रूप से ही पूजित किया जाता है।
क्योंकि व्यास जी के द्वारा लिखी गई कथाओं को वे कुछ रूप से व्यास पद्धति से सुनाते हैं। वैसे तो आजकल तीन प्रकार की पद्धति सुनने को मिलती है, व्यास पद्धति, नारद पद्धति और हनुमत पद्धति। यह जो व्यास पद्धति है यह पहले समय में बहुत होती थी, जिसमें केवल झांझ मंजीरा लेकर के कीर्तन किया जाता था, इतने अधिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। वह थी व्यास पद्धति। और प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक 12 घंटे कथा होती थी, जिसमें मध्य में केवल 48 मिनट का ही विराम होता था। यह थी पहले व्यास पद्धति। उसके बाद आई नारद पद्धति, जिसे आप सभी श्रवण कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से कथा श्रवण की जा रही है, यह है नारद पद्धति। और नारद पद्धति के साथ साथ आजकल जो पद्धति हो रही है वह हनुमत पद्धति है। हनुमत पद्धति कैसे? तो हनुमान जी थे वानर, और वानर के बारे में आप जानते हैं, शाखा ते शाखा पर जाई, एक शाखा से दूसरी शाखा, इस डगाल से उस डगाल, बंदर कूदता ही रहता है। इसी प्रकार से आजकल की जो कथाएं होती हैं, वे कभी यहाँ प्रथम स्कंध की, तो कभी सीधे चले जाएंगे द्वादश स्कंध में, कभी गीता, कहीं महाभारत, तो कहीं दुनियादारी की कथा। यह है हनुमत पद्धति। तो इस प्रकार की पद्धति आजकल अधिक हो रही है, और हम प्रयास करते हैं कि नारद पद्धति के द्वारा आप सभी को कथा श्रवण कराएं। तो वेद व्यास जी ने वेद के चार भाग किए और चारों भागों को अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि मैंने लोगों का तो कल्याण कर दिया, परंतु जो स्त्री जाति हैं, हमारे हरिजन व्यक्ति हैं और द्विज बंधु हैं, जो ब्राह्मण होकर के भी अपने ब्राह्मणत्व को रख नहीं पाए हैं, इनके कल्याण के लिए मैं क्या करूं। तो उसी समय वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत रूपी दिव्य ग्रंथ रख दिया, जिनके 12 पर्व हैं। ऐसे दिव्य ग्रंथ को रचने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई, वे सोचने लगे कि मुझे अभी और कुछ रचना करनी है। तब उन्होंने 17 पुराण भी रच दिए। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं मिली, तब वे बड़े चिंतित हुए। और वे चिंता में ऐसे डूबे ही हुए थे कि उसी समय श्री नारद जी महाराज का उनके आश्रम में आगमन हुआ। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज को देख करके व्यास जी ने उनका पूजन किया, पूजन करके उनको आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए। तब नारद जी महाराज ने जैसे ही व्यास जी का दर्शन किया तो देखते हैं वे तो बड़ी चिंता में पड़े हुए। नारद जी महाराज ने कहा कि हे महर्षि व्यास, आपकी चिंता का क्या कारण है? अरे आपने तो वेद के 4-4 भाग कर दिए, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी, और भी अनेक प्रकार के ब्रह्म सूत्र इत्यादि ग्रंथों की रचना कर दी, इसके बाद भी आप चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं, किस बात का आपको दुख है बताइए।
वेदव्यास जी ने कहा कि हे देवर्षि, अपने इस असंतोष को तो मैं भी नहीं जानता कि मुझे किस बात का दुख है, किस कारण से मैं दुखी हूं। पता नहीं मैंने इतनी सारी रचनाएं की हैं, परंतु इतनी रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और रचना करनी चाहिए, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सी रचना करूं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, यथा धर्मादयस्यार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। हे व्यास जी, आपने महाभारत तथा 17 पुराणों की रचना की, उनमें ज्ञान और वैराग्य का ऐसा विशद वर्णन किया है कि वह सराहनीय है, परंतु आपने अभी तक ऐसी कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें भगवान की लीला कथाओं के साथ भक्ति महारानी विराजमान हो। इसलिए आप एक काम कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और समाधि में बैठ करके भगवान की उन्हीं लीला कथाओं को आप लिख डालिए। नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास जी, भगवान की महिमा तो अनंत है, उनकी लीला कथाओं को यदि स्मरण कोई व्यक्ति कर लेता है तो किसी भी दुख से उनको सामना करना नहीं पड़ता। अरे मुझे देखो, मैं अभी आपके सामने देवर्षि नारद के रूप में खड़ा हूं, परंतु मेरे पूर्वज जन्म के बारे में आप जानते हैं कि मैं कौन था। नारद जी महाराज उसी समय अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। अहम् पुरातीत भवे भव मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षता। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली दासी का पुत्र था। मेरी माता ब्राह्मणों की सेवा करती थी, ऐसी दासी का मैं पुत्र था। एक दिन की बात है कि जब चतुर्मास का समय आया तो चातुर्मास का व्रत करने के लिए कुछ महात्मा गण हमारे आश्रम के समीप पधारे और चातुर्मास का वहीं पे व्रत करने लगे। मैं अपनी माता के साथ उन ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता। सेवा करते करते जब कुछ समय बीते तो प्रतिदिन मैं ब्राह्मणों के द्वारा खाए गए उनके भोजन से बचे हुए उच्छिष्ट को ग्रहण करता और कुछ समय के बाद मेरे मन में ब्राह्मणों के उस उच्छिष्ट जूठे भोजन से सभी पाप धुल गए, मेरा मन पवित्र हो गया। ब्राह्मणों के पास रह करके मैं भगवान की दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर मधुरादि मधुर कथाओं को श्रवण करता और भगवान की कथा को श्रवण करने के कारण मेरे मन में भगवान की वह भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कथाओं को सुनते सुनते मेरे आंखों से आंसू बहने लगते। मैं तो उन महात्माओं के साथ ऐसा रम गया कि मुझे अपने घर का भी ख्याल नहीं रहा, अपनी माता का भी कोई ख्याल नहीं रहा। 4 महीने बीतने के बाद जब वे महात्मा महापुरुष वहां से जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे उनके साथ जाने लगा। तब उन महात्माओं ने देखा यह छोटा बालक भी हमारे साथ आ रहा है और इसकी माता अभी इसके घर में ही है, उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो उस समय उन महात्माओं ने नारद जी को समझाया कि अरे बालक, तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी माता के अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं और तुम्हारे अलावा तुम्हारी माता का कोई सहारा नहीं है।
इसलिए तुम अभी अपनी माता की सेवा करो और जब बड़े हो जाओ तो उस समय तुम हमारे साथ आ जाना, हम तुम्हें वैराग्य की दीक्षा दे देंगे। महात्माओं को प्रणाम करके दुखी मन से श्री नारद जी महाराज जैसे ही वापस आने लगे कि उसी समय उन्होंने एक वृद्ध महात्मा को देख लिया जो लगभग 100 वर्ष के थे, चलने में खड़े होने में असमर्थ, लाठी के सहारे जैसे तैसे वे खड़े हुए और खड़े होने के बाद वे चलने के लिए तैयार हुए हैं कि उनके हाथ से लाठी छूट गई। वे लाठी को उठाने का प्रयास करते परंतु वे महात्मा लाठी को उठा नहीं पाते। यह देख करके नारद जी उनके पास गए और उन्होंने वह लाठी उनके हाथों में थमाई है। तब वे महात्मा नारद जी पर प्रसन्न हो गए और नारद जी से कहा कि अरे बालक, तुमने मुझे इस शरीर का सहारा प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें जा पूरे जीवन का सहारा प्रदान करता हूँ। और उसी समय उन महात्मा ने नारद जी को चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान कर दिया। यह चतुर्व्यूह मंत्र कौन सा था? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानि रुद्धाय नमः शंकरषणाय च। यह है चतुर्व्यूह मंत्र। यह मंत्र उन महात्माओं ने नारद जी को प्रदान किया और कहा कि अरे बालक, इस मंत्र का तो जितना हो सके जाप कर। यह मंत्र लेकर के नारद जी अपने घर आ गए और अपनी माता की सेवा करने लगे। एक दिन की बात है कि उनकी माता रात्रि के समय में गौ दोहन करने के लिए, दुग्ध दोहने के लिए गौशाला की ओर जाती है कि मार्ग में ही उनका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ जाता है और वह सर्प उसकी माता को काट लेता है। सर्प के काटने से नारद जी की माता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का समाचार सुन करके न तो नारद जी को दुख होता है न सुख होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। वे तो भगवान में ऐसे मग्न है कि अपनी माता का उन्होंने मृत्यु का समाचार सुना तो भगवान को धन्यवाद करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, जरूर आपने मेरी माता को मुझसे छीन लिया तो जरूर इसका यही कारण होगा कि आप मुझे अपनी भक्ति करवाना चाहते हैं, मैं इसमें स्वीकार हूं। और उसी समय नारद जी ने अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा, भगवान की कृपा मान करके वे उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। कुछ समय के पश्चात वे एक निर्जन वन में पहुंचे हैं। उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी है। तब सामने उन्होंने एक नदी देखी। उस नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया, जलपान किया और एक बड़े से वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और बैठ करके प्राणायाम के द्वारा सर्वप्रथम उन्होंने अपने मन के सारे मैल को धो डाला। प्राणायाम करने के पश्चात श्री नारद जी महाराज उन महात्माओं के द्वारा बताए गए उस चतुर्व्यूह मंत्र का जप करने के लिए बैठ गए और जप करते करते वे प्रभु में ऐसे मग्न हुए हैं कि उनके मन में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। नारद जी के आंखों से अश्रुपात होने लगे और उसी समय भगवान श्री हरि ने चतुर्भुज रूप में उनको अपना दर्शन करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज ने भगवान श्री हरि का जब वह चतुर्भुज रूप दर्शन किया है तो वे प्रसन्न हुए और वे अभी दर्शन करके तृप्त ही नहीं हुए थे कि प्रभु उसी समय अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। नारद जी की समाधि उसी समय खुल गई। उन्होंने पुनः ध्यान लगाने का प्रयास किया, बारंबार तप किया, लेकिन वे प्रभु का वह दर्शन नहीं कर पाए। तब उसी समय आकाशवाणी हुई है कि अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शो हम कुयोगिना, अरे बालक, जिनकी अभी वासनाएं तृप्त नहीं हुई हैं, ऐसे अधूरे कुयोगियों को मेरा दर्शन कभी नहीं हो सकता। तुझे मेरा दर्शन हुआ है
तो मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिया है कि मुझे महात्माओं की इस मंत्र को सिद्ध करना था, तुझे अपने उस स्वरूप में भक्ति प्रदान करनी थी, तुझे प्रेम उत्पन्न करना था, इसके लिए मैंने तुझे अपना दर्शन कराया। अब तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन होने वाला नहीं है, तू जल्द ही अपने इस शरीर को छोड़ देगा और अगले जन्म में पुनः जन्म लेकर के मेरे पार्षद के रूप में व्याख्यात हो। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जब उस आकाशवाणी को मैंने सुना तो इच्छा रहित होकर के स्वच्छंद रूप से मैं इस पूरे पृथ्वी पर भटकने लगा और कुछ ही समय के पश्चात मेरे वह मृत्यु का समय भी निकट आ गया। और जिस प्रकार आकाश में बिजली चमक करके अंतर्धान हो जाती है, उसी प्रकार से मेरे शरीर से मेरा यह प्राण भी अंतर्धान हो गया, मैं पुनः अपने इस शरीर से निस्तेज हो गया। और जब प्रलय का समय आया है तो उस प्रलय के माध्यम से मैं ब्रह्मा जी के श्वास के द्वारा उनके अंदर समाया और ब्रह्मा जी भगवान नारायण में समाहित हो गए। और जब ब्रह्मा जी पुनः जागे हैं और पुनः उन्होंने यह सृष्टि की है तो मैं ब्रह्मा जी के दसवें पुत्र के रूप में देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए देवर्षि नारद भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, वह एक सामान्य दासी का पुत्र भगवान का भजन करने के माध्यम से यह देवर्षि नारद बन गया, तो आपको फिर किस बात की चिंता है? आप भी उन्हीं प्रभु श्री नारायण की लीला कथाओं का स्मरण कीजिए और उसी से ही एक नए ग्रंथ की रचना कर दीजिए। ऐसा उपदेश दे करके श्री नारद जी महाराज वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। और इधर श्री वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद भागवत महापुराण की रचना हुई। देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात श्री वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्राश नामक अपने आश्रम पर प्रातःकाल समाधि लगाई है। समाधि लगाने के पश्चात उन्होंने भगवान की लीला कथाओं का स्मरण किया है और उन्होंने जो कुछ भी स्मरण किया, जो कुछ भी देखा, उसे ही श्रीमद् भागवत के रूप में परिणत कर दिया। वेदव्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत जी की रचना कर दी तो हर अध्याय के नीचे में इन्होंने लिख दिया कि श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह परमहंसों की संहिता है। इसलिए व्यास जी सोचने लगे कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए इस भागवत जी को मुझे किसी को सौंप देना चाहिए, पर मैं किसे सौंपूं? मैं जिसे भी इसको दूं वह परमहंस होना चाहिए, सामान्य किसी भी व्यक्ति को मैं दे नहीं सकता। व्यास जी ने अपने जितने भी शिष्यों को वेद आदि शास्त्र प्रदान किए थे वे भी इसके अधिकारी नहीं थे, तो किसे सौंपा जाए? तभी उसी समय वेद व्यास जी को ख्याल आ गया। कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए। वेद व्यास जी सोचने लगे, परंतु ये सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही गृहस्थ को छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिए हैं और सदा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, और मैंने श्रीमद् भागवत जी की यह कथा लिखी है सगुण ब्रह्म की, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला चरित्रों को लिखा है, तो क्या वह इसे श्रवण करेगा, इसे सीखेगा? व्यास जी ने कहा कि जरूर सीखेगा, क्योंकि यदि किसी माता ने गाजर का हलवा बनाया हो और पुत्र कितना भी मना करे तो माता जरूर कहती है कि चखे तो देख, और जैसे ही वह बालक चखता है कि पूरा पात्र लेकर के बैठ जाता है। भोजन से आकंठ तृप्त व्यक्ति को यदि पान का बीड़ा दे दिया जाए,
व्यक्ति का पेट कितना भी भरा हो, भरपूर उसने भोजन किया हो, यदि भोजन के अंत में उसे पान का बीड़ा दे दिया जाए तो वह मना नहीं करता, खा लेता है। तो यह श्रीमद् भागवत भी पान के बीड़े का काम करेगा। मेरा पुत्र इसे जरूर सीखेगा। और उसी समय श्री वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत जी के कुछ श्लोक रटाए और उनको कह दिया कि अरे शिष्यों, जब भी तुम वन की ओर जाते हो समिधा लेने के लिए, तो समिधा एकत्र करते समय इस श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का गायन किया करो। वेद व्यास जी के वे शिष्य जब भी वन की ओर जाते तो समिधा यज्ञ की लकड़ियां एकत्रित करते हुए श्रीमद् भागवत जी की इस श्लोकों का गायन करते। पर एक दिन वे उसी वन में पहुंच गए जहां श्री सुखदेव जी महाराज समाधि की अवस्था में बैठे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। श्री व्यास शिष्यों ने उस समय सर्वप्रथम एक श्लोक गाया। कौन सा? तो इस श्लोक में भगवान के सुंदरता का वर्णन है, भगवान के श्रृंगार का वर्णन है कि भगवान कैसे श्रृंगार करते हैं और उनकी सुंदरता कितनी सुंदर है। जिस छंद में यह निबद्ध है उस छंद का नाम है मंदाक्रांता छंद। यह श्लोक मंदाक्रांता छंद में है। मंद अर्थात धीरे धीरे, आक्रांत अर्थात हृदय की गहराइयों से पुकारना। तो इस श्लोक को मंदाक्रांत में यदि गाया जाए तो बड़ा आनंद आता है। व्यास शिष्य सर्वप्रथम इस श्लोक को गाते हैं। बर्हा पीडम नटव वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् भरद्वासः कनककपीसम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपररमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप माधुरी का वर्णन। भगवान का स्वरूप कैसा तो कहते हैं बरहा पीडम। बरह आपीडम, बरह अर्थात मोर पंख, आपीड अर्थात मुकुट, जिन्होंने मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ। नटवर वपुः, जो नृत्य करने में नटवर के समान है, भगवान शिव जी के समान सुंदर नृत्य करते हैं। और कर्णयोः कर्णिका, अपने कानों में उन्होंने एक कनेर का पुष्प धारण किया है। देखिए यह व्याकरण है। यहां पर वेद व्यास जी ने लिखा है कर्णयोः, द्विवचन का प्रयोग किया, कान दो होते हैं कर्णयोः, परंतु कर्णिकारम, कर्णिकार अर्थात कनेर का फूल, यहां पर एक वचन लिख दिया। व्यास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने दोनों कानों में एक कनेर का पुष्प धारण किया है। अब कान दो हैं तो एक कनेर का पुष्प धारण कैसे करें व्यक्ति? तो यहां का भाव ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब गौएं चराने के लिए जाते थे तो गोपियां भी जल भरने के बहाने उनका दर्शन करने वन को जाती थी। तो गोपियों को पता कैसे चले कि भगवान श्री कृष्ण आज किस दिशा में गए हैं, उत्तर दिशा में गए हैं कि दक्षिण दिशा में गए हैं?
तो भगवान श्री कृष्ण को जिस दिशा में जाना होता था, भगवान श्री कृष्ण उस दिन अपने कान में कनेर का पुष्प धारण करते थे। दाहिने कान में कनेर का पुष्प धारण करें मतलब भगवान आज दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे, अर्थात गोपियों आज तुम मुझसे मिलने दक्षिण दिशा की ओर आना। बाएं कान में यदि कनेर का पुष्प धारण करें तो गोपियां समझ जाती थी कि आज कान्हा बाएं दिशा की ओर जाएगा, इसलिए हमें वहीं चलना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानों में कनेर का पुष्प धारण किया है। विभ्रवास कनक कपिसम वैजयंती चमा, विभ्रदवास कनक कपिसम बिजली के समान चमकते, सोने के समान सुनहरी उन्होंने पीतांबर धारण किए हुए और वैजयंती चमालाम गले से लेकर चरणों को छूती हुई वैजयंती की बड़ी ही सुंदर माला उन्होंने अपने गले पर धारण की है। और रंध्रान वेणोरधर सुधया, रंध्रान वेणो अपने अधरों पर उन्होंने मुरली धारण की हुई है, अधर सुधया और अपने अधर रस का उस मुरली को पान करा रहे हैं। और वह मुरली भगवान श्री कृष्ण के उन अधर रसों को पान करके ऐसी मीठी मीठी बज रही है। पूरयन गोपविंदई, भगवान श्री कृष्ण मुरली का वादन कर रहे हैं, सभी ग्वाल बाल उनको घेरे खड़े हुए हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति, वृंदावन की उस पावन भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और सभी ग्वाल बाल उस श्री कृष्णचंद्र जी की जय जयकार करते हुए उनकी लीला गुणों को गान कर रहे हैं। बोलिए श्री नंद के लाला की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही भगवान के इस स्वरूप को सुना तो उसी समय उनकी समाधि खुल गई। वे सोचने लगे कि इतना सुंदर स्वरूप कौन है यह। जैसे ही उनकी समाधि में बैठ गए कि व्यास शिष्यों के द्वारा पुनः दूसरा श्लोक गाया गया। इस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव माधुरी का वर्णन है कि भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अहो बकीयम् स्तनकालकूटम् जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कम्बादयालु शरणं व्रजे। अहो बकीयम् स्तनकालकूटम्, बक की बहन बकी अर्थात कूतना, जिसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से व्रज में आई और भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपनी माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा कोई दयालु हो सकता है? इतना सुंदर स्वभाव जिस प्रभु का है उस प्रभु को छोड़ करके हम किसकी शरण ग्रहण करें। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब प्रभु के ऐसे स्वभाव का वर्णन सुना तो उस समय वे अपने आसन पर उठ खड़े हुए और आस पास देखने लगे कि इतने सुंदर श्लोकों का गान आखिर कर कौन रहा है। तब देखते हैं कि वहां पर व्यास जी के शिष्य
श्लोकों का गान कर रहे थे। व्यास शिष्यों को उन्होंने पास बुलाया और पूछा कि बड़े सुंदर श्लोक थे, बड़ा सुंदर राग था, बड़ा सुंदर छंद था, ये कहां के श्लोक हैं? हमने तो पहले इन श्लोकों के बारे में कभी सुना नहीं। व्यास शिष्यों ने कहा कि महाराज यह अभी लेटेस्ट है, नई नई इस ग्रंथ की रचना हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण नाम का यह ग्रंथ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने कहा कि यह कौन सा ग्रंथ है, हमने तो पहले कभी सुना नहीं, इसके रचनाकार आखिर कौन है, क्या यह ग्रंथ मुझे मिल सकता है? व्यास शिष्यों ने कहा कि इसके रचनाकार हैं हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज। श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। सुखदेव जी ने जैसे ही व्यास जी का नाम सुना तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि वेद व्यास, अरे वे तो मेरे पिता हैं, अभी मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे वसीयत नामा तैयार करवाता हूँ कि आपके पास यह जो श्रीमद् भागवत रूपी संपत्ति है यह आप मेरे नाम कर दीजिए। और उसी संध्या को श्री सुखदेव जी महाराज व्यास शिष्यों के साथ सम्यापा प्राश आश्रम पधारे हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को देखा तो अपने हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, मैंने भागवत के श्लोक सुने हैं, मुझे तो आप इस भागवत का अध्ययन कराइए, क्या आप अध्ययन कराएंगे? व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तेरे लिए ही तो यह रचना की गई है, तू ही तो इसका असली अधिकारी है, तुझे नहीं दूंगा तो मैं किसे दूंगा? पर श्री वेद व्यास जी ने उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज को यह परमहंसों की श्रीमद् भागवत रूपी संहिता अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान कर दी। और सुखदेव जी ने जैसे ही इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है कि उनको चढ़ा है नशा, भक्ति का नशा। और आप जानते हैं कि जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, वह जब नशा करे तो वह कोई ऐसे व्यक्ति को खोजता है कि उसे मैं सिखाऊं कि नशा कैसे किया जाए। तो सुखदेव जी ने जब नशा किया तो वे भी खोजने लगे कि कोई भी मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे मैं भी भगवत कथा का यह नशा कराऊं। और उनको मिल गए गंगा के द्वार पर अनशन व्रत पर बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज। देखिए, जब रचना करने वाले ने रचना कर दी तो भगवान ने एक सीखने वाला तैयार कर दिया, और जब सीखने वाले ने सीख लिया तो भगवान ने एक सुनने वाला तैयार कर दिया, और वह सुनने वाला ऐसा माध्यम बना है कि उस परीक्षित जी के माध्यम से आप और हम सभी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। जब सुखदेव जी को यह कथा का रस चढ़ा है तो उस समय उनके मन में तो केवल यही विचार है कि यह राम नाम का प्याला, श्याम नाम का प्याला मैं किसको पिलाऊं, कौन इसका अधिकारी है, अरे कोई तो मुझे मिल जाए जिसे इस श्री राम नाम रूपी इस प्याले को मैं ग्रहण करा दूं। राम नाम के हीरे मोती, अरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गले गले, शोर मचाओ गले गले।
वह तुम्हारा माल हुए धनदौलत के बड़े तुम्हारी आखिर धनदौलत हुए बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 जिनके यह मोती लूटे वह तुम्हारा माल हुए दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए चांदी सोने वालों सुन लो सोने वालों सुन लो हाथ सुनाओ खरी खरी इन्होंने कोई नाम प्यारा जाऊं गली गली बोलो राम 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 बोलो राम 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 सुखदेव जी महाराज राम नाम की इस प्यालों को पिलाने के लिए निकले हैं। उनको परीक्षित जैसा एक उत्तम शिष्य मिला और उन्होंने परीक्षित को इस श्रीमद् भागवत रूपी पूरा अमृत पिला दिया। शौनक जी पूछते हैं कि हे सुत जी महाराज, राजा परीक्षित ने भागवत का श्रवण किस कारण से किया, कहां पर किया, इसके बारे में हमें बताइए। सौनक जी के इस प्रश्न को सुनकर के सनकादि मुनियों सौनक जी के इस प्रश्न को सुनकर के सुत जी महाराज ने सनकादि मुनियों को परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम् वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावीद्ध गदाभिमर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे शौनक जी, जब कौरव और पांडवों के मध्य में घमासान महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध समाप्त प्राय की स्थिति में आ गया और दोनों सेनाओं के अनेक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उसी मध्य में भीमसेन की गदा से विदीर्ण होकर के
टूटे हुए जंघा के साथ दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा हुआ अपने अंतिम की श्वासों को गिन रहा था। इसी बीच उसका मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। उसने दुर्योधन से कहा कि अरे मित्र दुर्योधन, तुमने कर्ण की बातों में आकर के कभी भी मेरी बातों को नहीं माना और इसी कारण से देखो आज तुम्हारी क्या स्थिति है। यदि तुम मेरी बातों को माने होते तो अभी तुम्हारी यह स्थिति नहीं होती, विजय तुम्हारी होती। मित्र दुर्योधन, यदि मैं चाहता तो एक दिन में ही पूरे युद्ध को समाप्त कर देता, परंतु तुमने तो मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं चाहूं तो एक ही दिन में पांचों पांडवों का नाश कर दूं। दुर्योधन ने जैसे ही अश्वत्थामा की ऐसी गर्भवति के वचनों को सुना तो कहा कि अश्वत्थामा, देखो हम 100 भाई थे और 100 में से एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 थे और वे अभी भी 5 हैं। यदि तुम 5 पांडवों में से किसी एक का भी वध कर दो ना, तो मैं चैन के साथ मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र दुर्योधन, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? एक पांडव क्या, मैं तो 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने उसी समय अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया और अपने रक्त से उसका तिलक कर दिया। तिलक चंदनी रोली या हल्दी से किया जाता है और पापी व्यक्ति के रक्त से तिलक होने के कारण अश्वत्थामा की भी बुद्धि बिगड़ गई। घोर रात्रि के समय 12 बजे वह एक वृक्ष के नीचे आया और बैठ करके यह सोचने लगा कि दुर्योधन के सामने मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, परंतु मैं पांडवों का वध करूं तो करूं कैसे। तभी अश्वत्थामा ने उसी समय रात्रि के समय देखा कि एक उल्लू वृक्ष की डगाल पर बैठ कौए के घोंसले में जाकर के उसके अंडे को फोड़ करके मार करके खा रहा है। अश्वत्थामा ने उसी समय उस उल्लू को अपना गुरु बना लिया और सोचा कभी रात्रि का समय है और रात्रि का समय ही उन पांडवों के वध के लिए उचित होगा। उसी समय अपने हाथ में तलवार लेकर के वह पांडवों की शिविर की ओर निकल गया उनका वध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बारे में पता चला कि अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए आ रहा है तो भगवान जी ने कहा कि अरे पांडवों, विजय की रात्रि निद्रा के लिए नहीं होती, विजय की रात्रि तो सत्संग के लिए होती है। इसलिए तुम निद्रा छोड़ करके मेरे साथ अन्यत्र चलो। यहाँ कुछ दूर पर शिव जी का एक मंदिर है, हम वहां जाकर के सत्संग करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों को लेकर के चले गए मंदिर में। वहां रात्रि में वे सत्संग करने लगे। इधर पांडवों के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्र जो दिखने में भी अपने पिता के ही समान थे, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर के समान, भीम का पुत्र भीम के समान, अर्जुन नकुल सहदेव का पुत्र उन्हीं के समान, रात्रि के समय में ये 5 पुत्र अपने पिता के शिविर में जाकर के सो गए। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आया तो देखता है कि वहां पर 5 व्यक्ति सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव ही हैं, पर उन्होंने क्रमशः एक एक करके 5 पांडवों का सिर, पांडवों के पुत्रों का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उन सिर को लेकर के वह सीधे आया कुरुक्षेत्र के मैदान दुर्योधन के पास
और दुर्योधन को भेंट करते हुए कहा कि अरे मित्र दुर्योधन, देख तुमने एक पांडव की बात कही थी, मैंने पांचों पांडवों का सिर उनके धड़ से अलग करके तुम्हें भेंट करने के लिए यहाँ लाया हूँ। उन सिरों को देख करके दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ, किंतु जब उसने निकट से उन सिरों को देखा तो वे पांडवों के सिर नहीं थे, वे तो उस अबोध निरपराध पांडव के पुत्र थे। दुर्योधन उसी समय पछताने लगा कि अरे कलंकी, यह तूने क्या कर दिया, हमारे पूरे वंश में ये पांच बालक ही तो थे जो मृत्यु के बाद हमें तर्पण जल प्रदान करते, तूने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे मृत्यु के बाद हमारे पूर्वजों को तिलांजलि प्रदान करने वाले ये पुत्र ही थे, अब हमारे पूर्वजों को तिलांजलि कौन प्रदान करेगा। और इसी दुखद और सुखद दोनों की स्थिति में दुर्योधन का प्राणान बंद हो गया। अश्वत्थामा को जब यह ज्ञात हुआ कि पांडव अभी जीवित हैं और अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, तब भयभीत होकर के अश्वत्थामा वहां से भागा। पर प्रातःकाल माता द्रौपदी की क्या स्थिति है इसका दर्शन कीजिए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी सांत्वयन्नाह किरीटमान। प्रातः काल होते ही सूर्योदय के बाद भी जब द्रौपदी के भी पांचों पुत्र शिविर से बाहर नहीं आए तो द्रौपदी को उनकी चिंता होने लगी। माँ द्रौपदी जैसी ही शिविर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती क्या है कि वहां पर पांच धड़ पड़े हुए हैं जिनके सिर है ही नहीं, सारा वह शिविर खून से लथपथ है। अपने पुत्रों की ऐसी स्थिति देख करके द्रौपदी उसी समय शोक विलाप करने लगी, अपनी छाती पीटने लगी, जोर जोर से रोने लगी। द्रौपदी की रोदन को सुनकर के पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए। अर्जुन ने द्रौपदी की इस स्थिति को देखा तो उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाली कि द्रौपदी, जिस आतताई ने भी यह कृत्य किया है मैं उसे मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। और ऐसा संकल्प लेकर के जैसे ही अर्जुन को पता चला है कि अपने पांचों पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया तो भगवान श्री कृष्ण को साथ देख करके अश्वत्थामा ने उसी समय ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और वह ब्रह्मास्त्र उन्होंने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास आकर के अर्जुन को जलाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं अर्जुन, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है, इसलिए यदि इससे बचना है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का ही संधान करो और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ने वैसा ही किया, उसने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। अश्वत्थामा को पशु की भांति बंदी बना करके जैसे ही रथ पर बैठाने लगे तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुत्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भेदम नारी पुंहंति धर्मं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वे कभी भी असावधान मत वाले पागल सोए हुए
वृद्ध स्त्री आदि का अवध नहीं करते, किंतु जो पुरुष दूसरों का अवध करके अपने प्राणों का पोषण करता है वह तो आतताई होता है, पर उसका वध तो कर ही देना चाहिए। इसलिए तुम अभी तुरंत इस अश्वत्थामा का वध कर दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की धर्म की परीक्षा ले रहे थे कि यह कितना धार्मिक है। श्री कृष्ण के द्वारा आज्ञा दिए जाने पर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। उसने अश्वत्थामा को पशु की भांति बंदी बना करके उसे अपने रथ पर डाल द्रौपदी के सामने ले आए और द्रौपदी के सामने पटक करके कहने लगे कि अरे द्रौपदी, देख ये तेरे पुत्रों का जो शत्रु है, आतताई है, वध करने वाला है, उसे मैं लेकर के आ गया, इसे देख करके तुम मृत्यु दंड प्रदान करो। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा का दर्शन किया है तो उसी समय वह अर्जुन से कहती है कि अरे अर्जुन, मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणोन्नितरां गुरुः, इसे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। अर्जुन ने कहा कि यह कैसी बात करती, इसने हमारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी ने कहा कि स्वामी, भले ही इसने हमारे पुत्रों का वध कर दिया, परंतु मैं पुत्रहीन हो गई हूं, परंतु मेरे लिए सहारे के रूप में आप तो खड़े हैं। यदि आप इस अश्वत्थामा का वध कर देती हैं, तो इनकी माता कृपिता क्या होगा। गुरु द्रोणाचार्य भी अब इस संसार में नहीं रहे। माता कृपी अपने पुत्र अश्वत्थामा के सहारे ही जीवन जी रही थी। यदि इसका पुत्र भी मर गया तो माता कृपी की आह हम सबको लग जाएगी। और यही कोपितं ब्राह्मकुलै राजन्यार्जितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं सुचारपितम्। ब्राह्मण कुल के शोक की अग्नि जिस व्यक्ति को लग जाती है उसका तो पूरा कुल का ही नाश हो जाता है। इसलिए आप इस अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। द्रौपदी की यह बात युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगी, परंतु भीम को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि यदि तुम लोग इसका वध नहीं करना चाहते तो मैं इसका वध अभी कर देता हूं, लेकिन इसका वध तो जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भीमसेन को संभाला पर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर हंतव्या आतताई वधारहण मयैवो भयमामनातं परिपाह्य अनुशासनम्। हे अर्जुन, अधम से अधम ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी भी जीवन दान नहीं देना चाहिए। इसलिए तुम इसे छोड़ दो और इसका वध ही करो। भीमसेन ने कहा कि यह कन्हैया फिर से उल्टी उल्टी बात कर रहा है, सीधे बोलना चाहिए, क्या बोल रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। परंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात समझ गए। अर्जुन ने उसी समय अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के माथे से इसकी मणि निकाल ली। अश्वत्थामा के केशों को बीच बीच से मुड़ दिया और उसे उस स्थान से अपमानित करके निष्कासित कर दिया। एक ब्राह्मण के लिए इससे दूसरा वध हो ही नहीं सकता। वपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्यापणम महत् एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। वपनम अर्थात किसी ब्राह्मण की शिखा काट दी जाए, चोटी काट दी जाए। द्रविणा दानम उस ब्राह्मण से उसका धन छीन लिया जाए। स्थानम निर्यापणम उसे उसके स्थान से बाहर निकाल दिया जाए, उसका अपमान कर दिया जाए, यही एक ब्राह्मण का वध होता है। शास्त्रों में ब्राह्मण के शारीरिक वध का कोई विधान ही नहीं। इधर अपमानित अश्वत्थामा
जब शिविर से बाहर आया तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने पांडवों के वंश का नाश करने का निश्चय कर लिया। और उसी समय पांडवों के वंश को नष्ट करने की इच्छा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे। उस नन्हे शिशु को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जलता हुआ वह ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ की ओर आया है तो उस समय उत्तरा दौड़ते भागते भगवान श्री कृष्ण के पास आई पर कहने लगती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे देवाधिदेव जगतपति महायोगी हे कन्हैया हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, मैं आपके अलावा इस संसार में किसी को भी अपनी रक्षा का पात्र नहीं मानती। देखिए उत्तरा के समक्ष कौन कौन विराजमान है, वहां पर उनके पांच पांच ससुर जी, अर्जुन जैसा योद्धा, युधिष्ठिर के जैसा राजनीतिज्ञ, भीम के समान गदाधारी, नकुल और सहदेव के समान अनेक अस्त्र शस्त्रों में निपुण, ऐसे अपने ससुर जी के रहते हुए भी उत्तरा उनके पास नहीं गई है। उत्तरा किसके पास गई? तो गई है भगवान श्री कृष्ण की शरण, अपने स्वजन संबंधियों की शरण में नहीं गई, वह गई है महायोगिन देव देव जगतपति, जो महायोगी हैं, देवों के देव हैं, इस जगत के पति हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई और कहने लगी कि हे प्रभु यह जलता हुआ ब्रह्मास्त्र बाण मेरी ओर आ रहा है, अरे मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, जब मेरे पति की वीर गति उनका वध हुआ तो मैं तो उसी समय सती हो रही थी, परंतु इस गर्भ के कारण ही मैं सती नहीं हुई, इस गर्भ के कारण ही मैं जीवित हूं, इसलिए आप मेरी चिंता ना करके मेरे इस गर्भ की चिंता कर दीजिए, यह ब्रह्मास्त्र का सारा भार मैं अपने शरीर पर लेने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरे गर्भ की रक्षा कर दीजिए। उत्तरा की इस प्रार्थना को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अंगूठे के बराबर एक छोटा सा रूप धारण किया, अपने चारों हाथों पर शंख चक्र गदा और कमल का फूल धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के पश्चात उन्होंने उस नन्हे से शिशु परीक्षित की रक्षा की। रक्षा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः गर्भ से बाहर आए और जैसे ही द्वारिका जाने के लिए तैयार होने लगे कि उसी समय माता कुंती उनके पास आ गई। पर माता कुंती जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती है तो प्रभु कहते हैं कि अरे बुआ यह तू क्या कर रही है, तू तो मुझसे बड़ी है, मेरा प्रणाम क्यों कर रही है। माता कुंती कहती है कि कन्हैया अपनी इन्हीं मीठी मीठी छलिया बातों से तो तुम सबको छलते आए हो, मैं तुमको जान गई हूं। भगवान ने कहा कि अच्छा जान गई, कौन हूं मैं? माता कुंती कहती है नमस्ये पुरुषं त्वात्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। माता कुंती कहती है कि कन्हैया आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा हैं,
समस्त प्राणियों के अंतर मन में आप निवास करते हैं और बाहर भी आप ही निवास करते हैं। अतः मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा कि बुआ, यदि मैं अंदर बाहर सब जगह विराजित रहता हूँ तो लोगों को दिखता क्यों नहीं? दिखता भी तो चाहिए ना, मैं दिखता क्यों नहीं? माता कुंती ने कहा कि तुम फिर छलिया भरी बातें कर रहे हो। अरे कन्हैया, माया जवनिका छन्ना मद्या ध्रुक्षज मव्ययम्। तुमने संसार के लोगों के आंखों के सामने माया रूपी यह जो पर्दा डाल दिया है, इसके कारण ही लोग आपको देख नहीं पाते। अरे कन्हैया, मुझ पर जब भी विपत्ति आई है तुम दौड़कर मेरे पास आए हो, इसलिए मेरे तो एकमात्र सहारे तुम ही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता कुंती, बुआ, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। यदि आप कुछ वरदान मांगना चाहती हो तो मुझसे मांग लो, मैं वह सब कुछ देने को आपको समर्थ हूँ। आप जो मांगोगी मैं आपको वह प्रदान कर दूंगा। और यहाँ पर माता कुंती बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट करती कहती क्या है माता कुंती, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, सबको भी माता कुंती को माध्यम बना करके भगवान कन्हैया से यही वरदान मांगना है। कौन सा वरदान? समझ सका
माता कुंती कितना सुंदर वरदान मांगती है प्रभु से। वह कहती है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भौतिक सुख सुविधाएं तो इसे लेकर के मैं क्या करूंगी, मुझे तो मात्र इतना ही प्रदान कीजिए कि सदा आपकी कृपा मुझ पर मेरे पूरे कुटुंब पर बनी रहे। हे प्रभु, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख प्रदान कर दीजिए। भगवान कन्हैया ने सुना कि दुख मांग रही है माता, उन्होंने कहा कि माता आपको दुख क्यों चाहिए, लोग तो दुख की स्थिति में मुझे पुकारते हैं और कहते हैं कि प्रभु दुख से मुझे निवृत्त करो, सुख प्रदान करो, और आप कहती हो कि मुझे दुख प्रदान कर दो। माता कुंती ने कहा कि हाँ प्रभु, आपने सही सुना, मुझे दुख प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि वो कुंती कहती है, विपदो नहीं विपदः संपदो नहीं संपदः
विपदा विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायणं स्मृतिः। प्रभु वह विपदा विपदा नहीं होती और वह संपदा संपदा नहीं होती। असली विपदा तो यह है कि आपका विस्मरण हो जाए। जो व्यक्ति आपको भूल जाए वही सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी संपदा तो यही है कि सदा आपका भजन कीर्तन और स्मरण होता रहे। और संसारिक लोगों में देखने को यही मिलता है कि लोग दुख के समय में आपका स्मरण तो करते हैं परंतु सुख के समय आपको भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही हो। प्रभु दुख में ही लोग आपको सुमिरन करते हैं तो यही तो सबसे बड़ा सुख हो कि आपका स्मरण हो रहा है। और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को रामचरितमानस में लिखते भी हैं। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमीरन भजन न हो। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि प्रभु का स्मरण नहीं हो रहा है। अरे ऐसे सुख को लेना ही क्या जिससे प्रभु को हम भूल जाए। ऐसे सुख के माथे तो सिल पड़ जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। धन्य है वह दुख जिससे प्रभु का स्मरण होता है। इसलिए आप सभी के जीवन में जब भी दुख आए तो उससे प्रसन्न हो जाइएगा कि आपको दुख की प्राप्ति हुई है, अब आपको प्रभु को स्मरण करने का मौका मिलेगा। दुख से घबराइएगा नहीं, दुख को स्वीकार कीजिए। यह तो जीवन का नियम है कि दुख आया तो सुख गया और जब सुख आएगा तो दुख जाएगा। जीवन का यह क्रम सदा चलता रहता है। सुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख जाते हैं, आते हैं सुख जाते हैं। यह तो जीवन का क्रम है। आपको सुख मिले तो प्रभु को धन्यवाद करो, दुख मिले तो प्रभु को धन्यवाद करो। सुख दुख के समय कृतवा, सुख और दुख दोनों की स्थिति में समान रहो, प्रभु का ही स्मरण करो। माता कुंती ने जब इतनी सुंदर स्तुति की तो प्रभु प्रसन्न हो गए और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को कहा कि हे माता, आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी मैं उसी समय आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा वरदान देकर के जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाने लगे तो उस समय पांचों पांडव भगवान के पास आ गए और कहने लगे कि हे प्रभु, अभी अभी तो हमने महाभारत के युद्ध में अपने स्वजनों को खोया है, इसलिए आप भी हमें छोड़ करके मत जाइए, आप कुछ दिन हमारे साथ ही रुक जाइए। पांडवों की इस प्रार्थना को सुन प्रभु कुछ महीने हस्तिनापुर में ही रहे।
एक दिन की बात है कि एकांत में धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों का स्मरण करके अकेले में रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी स्थिति को देखा तो पूछने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम रो क्यों रहे हो? अब तो तुम्हारे पास सुख ही सुख है। दुख देने वाले जितने लोग थे सभी तो चले गए। यह पूरी संपत्ति तुम्हारी है, पूरा राज्य तुम्हारा। अब किस बात पर? युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, जब भी मैं इस राज्य को देखता हूँ, इस राजगद्दी पर बैठता हूँ, तो मुझे हस्तिनापुर की वे स्त्रियां सफेद साड़ी में नजर आती है, पर उनकी विधवा होने का कारण मैं स्वयं को मानता हूँ। यदि मैंने युद्ध नहीं किया होता, मुझे यदि यह राज्य नहीं चाहिए होती, तो आज वे श्वेत साड़ी में नहीं होती, सुहागिन होती। इन सभी का कारण मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय युधिष्ठिर को नहीं समझाया। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, जहां की पावन भूमि में कुरु वंश का सूर्य पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए अस्ताचल की ओर जा रहा था। बाण की सैया पर लेते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए वे उनको पुकार रहे थे। तभी पांचों पांडव श्री भीष्म पितामह के पास पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भीष्म पितामह ने कहा कि अरे पांडव, वह छलिया कन्हैया कहाँ है? उसको भी साथ लेकर के आते। पांडवों ने कहा कि पितामह, वह भी साथ ही आए हैं। वह देखो, सारथी बने हुए रथ के पास खड़े हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि अरे पांडव, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? तब उस समय पांडवों ने कहा कि पितामह, हम जानते हैं कि ये कौन है। सबसे पहले उसमें से सहदेव ने कहा कि हे पितामह, ये हमारे मामा वसुदेव के पुत्र, हमारे ममेरे भाई। पितामह ने कहा कि नहीं नहीं। तब नकुल ने कहा कि ये हमारे प्रिय मित्र हैं। पितामह ने कहा कि नहीं। तब अर्जुन ने कहा कि ये हमारे सारथी हैं। पितामह ने कहा कि नहीं। भीम ने कहा कि ये हमारे हितैषी हैं, हमारी सदा मंगल कामना करते हैं। पितामह ने कहा कि नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब नहीं, तो ये हमारे जरूर मंत्री हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि पांडवों, तुमने जो भी संबंध इनसे बना रखा है, ऐसा कोई भी संबंध इनका तुम्हारे साथ नहीं है, ये कौन है? तो पितामह कहते हैं कि केशवै भगवान साक्षात् नारायण कुमार, ये साक्षात आदि नारायण पर ब्रह्म नारायण है, जिसको तुमने अपना हितैषी मंत्री सारथी आदि बना रखा है। पितामह भीष्म ने उसी समय भगवान से प्रार्थना की है, सदेव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। पितामह कहते हैं कि वे ही देवादिदेव भगवान नारायण, जब तक मैं अपने इस शरीर को छोड़ न दूं, तब तक प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन प्रसन्न मुख से युक्त होकर के मेरे सामने खड़े रहते हैं, और मैं उनको देखते हुए अपने इस शरीर का त्याग करूं। भगवान श्री कृष्ण उसी समय पितामह भीष्म के चरणों के पास आकर के खड़े हो गए। अंतिम समय में राजा युधिष्ठिर ने पितामह से अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं।
तुम पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म आदि के बारे में बताया। दान कैसे करना चाहिए इसकी बड़ी महत्ता है। आप सभी ध्यान से सुनिए। आप सब भी दान करते होंगे, तो दान किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस स्थान पर करना चाहिए और मन में कैसी भावना दान के लिए रखनी चाहिए, यह सुनिए। पितामह भीष्म कहते हैं महाभारत अदेश काले यज्ञानां मपात्रेभ्यस्य दीयते असत्यतमवज्ञातं तत्काम समुदाहृतम्। जो देश काल और पात्र का विचार किए बिना अपमान पूर्वक दान दिया जाता है, ना तो आप व्यक्ति का परीक्षण करते हैं कि जिसको दान दे रहे हैं वह कैसा है, ना तो आप स्थान देखते हैं कि जिस स्थान पर दान कर रहे हैं वह स्थान कैसा है, और न ही आप समय का विचार करते हैं कि जिस समय में आप दान कर रहे हैं वह समय दान के लिए उचित है कि नहीं। यदि ऐसा आप दान करते हैं कि यह दान तामस दान की श्रेणी में आता है, इसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जो दान आपको मिलना चाहिए वह फल आपको नहीं मिलेगा, तामस। दूसरे नंबर का दान है राजस दान, अर्थात यद्यो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान प्रत्युपकार की भावना से दी जाए, अर्थात मैंने आगे वाले व्यक्ति को दान किया तो उससे भी मैं कुछ अपेक्षा रखूं कि ये भी मुझे कुछ देगा, यदि ऐसी भावना से दान किया जाए, या फिर क्लेश पूर्वक दान किया जाए, दान करने से मन को यदि कष्ट हो तो वह दान राजस दान कहलाता है। और तीसरे स्थान पर जो दान है उसे सात्विक दान या उत्तम दान कहते हैं। सबसे उत्तम दान यही है। आप सब भी प्रयास यही कीजिए कि यही दान करें। कैसा दान कहते हैं? दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भावना से दान करें। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्रों की सेवा करते हैं, पुत्र अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं, इसी प्रकार कर्तव्य मान करके दान करें। और अनुपकार की भावना से, अर्थात दान देने के बाद आगे वाले से अपेक्षा न रखें कि वह आपको कुछ देगा। और जिस व्यक्ति को आप दान कर रहे हैं पहले विचार कर लीजिए कि वह दान ग्रहण करने के योग्य है या नहीं। ऐसे नहीं कि किसी को भी आपने दान कर दिया। ध्यान रखिए, भिक्षुक को कभी दान नहीं दिया जाता, भिक्षुक को भिक्षा दी जाती है। दान तो ब्राह्मण को दिया गया, इसलिए जब भी ब्राह्मण को दान करें तो विचार जरूर कर लें कि दान देने के लिए वह ब्राह्मण उचित है या नहीं। जिस स्थान पर आप दान कर रहे हैं वह स्थान योग्य है कि नहीं, या तो किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के दान कीजिए, या मंदिर में जाकर के दान कीजिए, या ब्राह्मण के घर में जाकर के दान करना चाहिए। यह नहीं कि अपने घर ब्राह्मण देवता को बुला लीजिए और कहने लगे कि इसको ले जाना पंडित देव, ऐसा नहीं। ब्राह्मण को नेवता भेजिए, अपने घर बुलाइए, उनका पूजन कीजिए और संकल्प मंत्रोच्चार के साथ दान कीजिए, तब तो दान सफल होता है। इसके साथ ही काल का विचार करना भी आवश्यक है। समय का विचार जरूर करें कि जिस समय में आप दान कर रहे हैं वह दान के लिए उचित है या नहीं। इसके लिए किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर के पहले ही चर्चा कर लें। यदि इस विधि से आप दान करते हैं तो यह विधि सात्विक दान कहलाती है। तत्पश्चात पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राजधर्म बताया है, मोक्ष धर्म बताया है और स्त्रियों का धर्म बताया है।
यह धर्म बताने के बाद पितामह भीष्म यह वर्णन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का पवित्र समय भी आने लगा जिसकी योगीजन प्रतीक्षा करते हैं। और पितामह भीष्म ने अपनी इंद्रियों को सब जगह से हटा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। और लगाने के बाद एकादश श्लोकों के माध्यम से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई गई। यह जो स्तुति है यह पुष्पितागरा छंद में निबद्ध है। छंद का नाम है पुष्पितागरा, अर्थात मानो यह जान पड़ता है कि पितामह भीष्म ने एकादश श्लोक रूपी अपने 10 इंद्रिय और एक मन 11 इनको साथ लेकर के भगवान को यह भाव रूपी पुष्प अर्पित कर दिया। बड़ा सुंदर भाव है। पितामह भीष्म कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषया धवा प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णम् रविकर गौरवरांबरं दधाने वपुरल ततुलावृतान्नाब्जं विजय सखेरतिरास्तु मे न वद्या। बड़ा सुंदर भाव है। और इन्हीं भावों को स्मरण करते हुए पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मनोमस्तिष्क को अपने हृदय को वहीं लगा दिया और अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। देवता आकाश में ढोल नगाड़े बजा करके पुष्पों की वर्षा करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए पितामह भीष्म महाराज की जय। देखिए पितामह भीष्म ने मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भाव बनाया है यह बड़ा ही सुंदर भाव है और यही भाव हर प्राणी का होना चाहिए। पितामह भीष्म ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो उस समय प्रभु से वे प्रार्थना क्या करते हैं, वे कहते हैं तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले इतना
महाभीष्म के प्राणांत होने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा ले पृथ्वी के अनेक स्थानों को पवित्र करते हुए अपने द्वारिका लौट आए। श्री शौनक जी महाराज सुत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सुत जी, अश्वत्थामनोपसृष्टेना ब्रह्मशृष्णोरुत्तेजसा ईशेना जीवितः गर्भ उत्तरायाः तु पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्या गतवान् यथा। हे सुत जी, अश्वत्थामा ने उत्तरा के जिस गर्भ को नष्ट कर दिया था, भगवान ने उसकी कैसी रक्षा की, उसे कैसे पुनः जीवित किया, ईशेना जीवितः पुनः पुनः किस प्रकार से उसे जीवित किया, इसके बारे में हमें बताइए। तस्य जन्मा महाबुद्धेः, उस शिशु ने बड़े होकर के जरूर भगवान की भक्ति की होगी, क्योंकि भगवान ने जिसकी रक्षा की है वह कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनाइए। सुत जी कहते हैं कि हे सनक जी, उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर हाथों में गदा धारण करके जलते हुए आग की भांति उस गदा को चारों ओर घुमा, जिससे ब्रह्मास्त्र का वह तेज उस शिशु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तत्पश्चात 10 माह के बाद जब उस शिशु का जन्म हुआ,
तो जन्म होते ही वह अपने चारों ओर आश्चर्य चकित होकर के देखने लगा। वह शिशु रोया नहीं बल्कि वह आश्चर्य से देख रहा था कि गर्भ में मैंने जिस चतुर्भुज व्यक्ति का दर्शन किया है वह इनमें से कौन है। और उस शिशु के इस प्रकार से परीक्षा और आश्चर्य करने के कारण उसका नाम परीक्षित पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर ने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन करा करके जात कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने इस बालक का नामकरण करते हुए कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, विष्णुना कृष्णेन रातः रक्षितः इति विष्णुरातः। भगवान श्री नारायण ने साक्षात गर्भ में इसकी रक्षा की है, इसलिए विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इसका एक नाम विष्णुरात होगा। परीक्षित का जो जन्म नाम है वह है विष्णुरात। युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इसके भविष्य के बारे में भी हमें बताओ कि इसका भविष्य कैसा होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, आपका यह पौत्र दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, उसी नरेश महाराज सिमी के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा, अपने दादा अर्जुन के समान और कार्तवीर्य अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, समुद्र के समान यह दुस्तर होगा, और इसके समान राजा उस समय इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहेगा, यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह सुनकर के राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, अंत समय में यह एक ब्राह्मण का अपराध करेगा और ब्राह्मण बालक के शाप के द्वारा तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए। तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी इसलिए नहीं, ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति को सर्प काट लेता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो परीक्षित को नरक मिलेगा इस नाम से राजा युधिष्ठिर दुखी नहीं हुए। राजा युधिष्ठिर दुखी क्यों हुए कि वह ब्राह्मण का अपराध करेगा, क्या यह ब्राह्मण द्रोही होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, ऐसी बात नहीं है, यह तो ब्राह्मण भक्त होगा और अपने अंत समय में श्री सुखदेव जी के द्वारा उनके श्री मुख से भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करके या भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। यह सुनकर के राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार आभूषण देकर के प्रसन्न किया, उनको वहां से विदा किया है। श्री सुत जी महाराज स्वर्णकादि मुनीश्वरों से कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ मन्धोदुदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। हे शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को एक बार द्वारिका नगरी भेजा ताकि वह द्वारिका वासियों का हाल चाल लेकर के वापस आ जाए। जब कई मास बीत गए और अर्जुन वापस नहीं आया तो उनको अर्जुन की चिंता होने लगी। राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा कि भीम से, अर्जुन को गए हुए कई मास व्यतीत हो गए, वह अभी तक नहीं आया, मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है और मुझे बड़ा ही अब शगुन हो रहा है, निमित्त मुझे दिखाई दे रही है, मेरा हृदय घबरा रहा है, मेरी बाई जंघा फड़क रही है, आंख और भुजा भी फड़क रही है। सूर्योदय के समय मैंने एक सियार को सूर्य देवता की ओर मुख करके रोते हुए देखा है, पहाड़ों में कंपन हो रहा है, पहाड़ों से बड़े बड़े गिर के टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहे हैं, मूर्तियों के पास जाकर के देखा देखता हूं तो मूर्तियों से अश्रुपात हो रहे हैं, सूर्य की यह जो किरण है प्रभा है यह भी मंद हो गई है,
यह अपशगुन क्यों हो रहे हैं? राजा युधिष्ठिर भीमसेन से यह बात कर ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन का आगमन हुआ है। अर्जुन की स्थिति क्या है? धर्मराज देखते हैं कि न तो सिर पर मुकुट है, न हाथ में गांडीव धनुष है, बाल भी बिखरे हुए, निस्तेज, आंखों में आंसू धारण किए हुए अर्जुन युधिष्ठिर के सामने खड़े हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अरे अर्जुन, तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है? द्वारिका में सब सही तो है, कुशल मंगल तो है, हमारे मामा वसुदेव, देवकी आदि मामियां सही कुशल मंगल तो है, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्रावण आदि राजकुमार सभी कुशल मंगल से तो है। अर्जुन ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अरे अर्जुन, कहीं तुमसे ब्राह्मण का कोई अपराध तो नहीं हो गया? कहीं तुमने किसी स्त्री का तो अपराध नहीं कर दिया? किसी बालक या वृद्ध रोगी का अपराध तो नहीं कर दिया? या किसी वृद्ध रोगी ब्राह्मण को बालक को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर गए? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? हर प्रकार से युधिष्ठिर ने अर्जुन से उसके दुख का कारण पूछा, परंतु अर्जुन शांत रहे, कुछ ना बोले। तब अपने हृदय में पत्थर धारण करके महाराज युधिष्ठिर ने सबसे अंतिम बात पूछी। युधिष्ठिर कहते हैं, कच्चे प्रेष्ठ तमेनाथ हृदये नात्म बंधुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु। जो तुम्हारे परम प्रियतम अभिन्न हृदय है, जिसकी तुम सदा शरणागति ग्रहण करते हो, दुख और सुख हर स्थिति में जो हमारे साथ सदा खड़े रहते हैं, कहीं तुम उन भगवान श्री कृष्ण से रहित तो नहीं हो गए? अर्जुन ने जैसे ही युधिष्ठिर जी के मुख से यह बात सुनी कि उसी समय वे फूट फूट करके रोने लगे, अपने बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए, कुछ बोल नहीं सके। कुछ समय के पश्चात रुंधे हुए गले से अर्जुन ने जवाब दिया कि हे महाराज, वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना हीन में पहृतम तेजो देव विस्मापनम। महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण करके हमको ठग लिया, उस छलिए ने हमको भी छल लिया। जिस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने द्रौपदी के स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं के मद को चूर करके मत्स्य भेदन करके उस द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धाओं का वध करके हमने उस महाभारत के युद्ध को भी जीता, जिन भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त कर मैंने अपने युद्ध कौशल से भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र धारण किया है, मैं आज उन्हें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गया। द्वारिका से रानियों को मैं वापस यही हस्तिनापुर लेकर के आ रहा था कि मार्ग में कुछ गोपों ने, भिल्लों ने मुझे धन के साथ लूट लिया, रानियों को भी मुझसे छीन लिया, मुझे परास्त कर दिया। हे महाराज, तदवै धनुस्तैषवः
शरद हो हयास्ते सोहम रथे नृपतयो यतयान मन्ति सर्वं क्षणेन तदभोग सदीश रिक्तम् भस्मन् हुतं गुहपरामि बबोधमुष्या हे महाराज मैं वही धनुर्धारी अर्जुन हूँ परंतु भगवान श्री कृष्ण से विहीन होने के कारण मैं वह धनुर्धर अब नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए तो मेरी सारी शक्ति भी उनके साथ चली गई। जिस प्रकार भस्म में दी हुई आहुति बेकार होती है, ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज बेकार होता है, इसी प्रकार उनके न रहने पर मैं भी अब बेकार हूं, मेरा भी अब कोई अस्तित्व नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधार गए हैं, बलदेव भैया भी अपने परम धाम को पधार गए हैं। ब्राह्मणों के शाप से मोह ग्रस्त होकर वारुणी मदिरा का सेवन कर सभी द्वारिकावासी आपस में लड़ करके कट करके मर गए। अब वहां कोई भी नहीं बचा। माता कुंती ने जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के परम धाम की इस समाचार को सुना तो जिस प्रकार राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, इसी प्रकार उसी क्षण माता कुंती ने भी अपने उस प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने माता कुंती की अंत्येष्टि क्रिया की। तत्पश्चात परीक्षित को राज्य का पूरा भार सौंपा, उसका राज्य अभिषेक करा करके राज्य गद्दी पर बैठाया और स्वयं पांचों पांडव द्रौपदी के साथ चीर वलकल वस्त्र पहन करके उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। स्वर्गारोहण करते समय सर्वप्रथम द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और भीम का शरीर गल गया और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने सशरीर स्वर्ग को प्राप्त किया है। सुत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा प्रदान की गई भूमि का न्याय पूर्वक राजा परीक्षित शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री ईरावती से विवाह किया जिसे उनको जन्मेजय आदि चार पुत्र हुए। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले कि उन्होंने मार्ग में देखा कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके चार पैरों में से तीन पैर है ही नहीं, एक पैर पर ही मात्र वह बैल खड़ा हुआ है और साथ में ही पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण किए हुए रोती हुई वहां खड़ी हुई। राजा परीक्षित ने जब इस स्थिति को देखा तो अपने रथ से कूद पड़े और उनके पास जाकर के पूछा कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, हे गौ माता आप रो क्यों रही हैं और इस बैल के चार पैरों में से तीन पैरों को किसने काटा बताइए, मैं उसको मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। धर्मस्वरूप उस बैल ने कहा कि हे राजन दुख का कारण मैं किसे बताऊं, मेरे तीन पैर नहीं है इसका दुख मैं किसे मानूं, मेरे मन में तो सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता, सुख और दुख को देने वाला कोई भी नहीं होता, परो ददातीति बुद्धिरेषः, कोई दूसरा मुझे दुख प्रदान कर रहा है यह तो बुद्धि ही है। व्यक्ति अपने कर्म से ही दुख को प्राप्त करता है, अपने प्रारब्ध से ही दुख को प्राप्त करता है।
जब उस बैल ने इतनी नीतिपूर्ण धर्मयुक्त वचन कहे, तब राजा परीक्षित समझ गए कि यह कोई और नहीं साक्षात धर्म ही। पर कलयुग के आ जाने के कारण इनके चार पैरों में से तीन पैर कट गए। तपः शौचम् दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्माः संश्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव। तप, शौच, दया और सत्य, ये धर्म के चार चरण हैं। सतयुग में चार चरण और कलयुग के आते आते उनके तीन चरण कट जाते हैं और मात्र एक चरण ही धर्म का शेष रहता है, वह है सत्य रूपी चरण। हमने पहले भी चर्चा की सत्य क्या है। त्रिकाला बाधितमं सत्यतमं, जिसका तीनों कालों में भी नाश ना हो, जो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में भी रहेगा, जो अनंत है, वही सत्य है। सत्य का कभी नाश नहीं होता और धर्म इस कलयुग में अपने सत्य रूपी चरण पर खड़ा हुआ है। सतयुग में न तो तपस्या है, न दया है और न पवित्रता। राजा परीक्षित ने उसी समय धर्म के टूटे हुए इन तीनों पैरों को भी जोड़ा और धर्म को चारों पैरों पर खड़े करके उनको स्वस्थ किया। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित ने वन में एक राजवेशधारी शूद्र को देखा, काला पुरुष जिसने राजा के समान वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट है और हाथ में चाबुक लेकर के, डंडे लेकर के, वह एक गाय को बहुत जोरों से मार रहा है। गाय माता रो रही है परंतु वह उसे बारंबार दंड ही दे रही है। यह देख करके राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी समय अपने रथ से उस काले पुरुष को आवाज लगाई कि अरे पुरुष, तू कौन है बता, मेरे राज्य में रह करके गाय को अपमानित करता है, उनको दुख देता है, मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। और वध करने के लिए राजा परीक्षित जैसे ही अपना तलवार निकालते हैं कि वह कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में आने कहता है कि प्रभु मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित कहते हैं कि अरे कलयुग, तुम मेरे राज्य में क्या कर रहा है, तुझे यहां नहीं होना चाहिए, तू अभी मेरा राज्य छोड़ करके यहां से चला जा। वह कलयुग कहता है कि हे राजन, जिस प्रकार सत्ययुग आया उसी प्रकार त्रेता युग आया, उसी प्रकार द्वापर युग आया, पर इसी प्रकार अब कलयुग मेरा समय आया है, पर इस समय को छोड़ करके मैं जा नहीं सकता, पर आप अपने राज्य से मुझे जाने को कहते हैं और आप तो चक्रवर्ती राजा है, पृथ्वी में जिस स्थान को भी आप देखेंगे हर स्थान पर आपका ही राज है, तो पृथ्वी को छोड़ करके मैं किस स्थान पर जाऊं। आप एक काम कीजिए कि पृथ्वी में ही मुझे कोई स्थान प्रदान कर दीजिए जिस स्थान पर मैं रहूं। और उसी समय राजा परीक्षित ने कलयुग को चार स्थान प्रदान किए, भूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। पहला स्थान द्यूत, अर्थात जहां पर भी जुआ खेला जा रहा हो वहां पर कलयुग का वास होगा। जुए के भी कई स्वरूप है, आजकल तो और ऑनलाइन भी जुए लगते हैं, सट्टा बाजार जिसको कहते हैं, कुबेर मटका हमने भी सुना है, ऐसे ऐसे जुए के स्वरूप हैं। एक जुए का तो ऐसा स्वरूप है जिसका विज्ञापन भी देखने को मिलता है, कौन सा, शेयर मार्केट, धन कमाने का सबसे कलयुग में उत्तम साधन जिसको माना जाता है शेयर बाजार, पैसा लगाओ
कुछ दिनों के बाद 10 गुना पैसा वापस हुआ। यह भी जुए का ही स्वरूप है, इसमें भी कलयुग का वास है। पहला तो हुआ द्योतम, दूसरा पानम, जहां मदिरा पान होता हो वहां कलयुग निवास करता है। तीसरा स्त्रियः, स्त्रियः कहने से अर्थात जहां पर काम भावना उत्पन्न हो वहां कलयुग निवास करता है। चौथा सूना अर्थात हिंसा, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट करते हैं, हिंसा होती है, हिंसा होती है, उस स्थान पर कलयुग निवास करता है। ये चार स्थान जब राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रदान किए तो वह कलयुग कहने लगा कि हे राजन, आपने स्थान भी ऐसा प्रदान किया जो आपके राज्य में है ही नहीं। कहने का मतलब आपका तो यही है कि मेरे राज्य से चले जाओ। अरे मुझे कोई ऐसा स्थान प्रदान करो जहां मैं रह सकूं, आपके राज्य में वह स्थान हो। तब उस समय राजा परीक्षित ने कलयुग को पांचवा स्थान प्रदान किया। कौन सा? पुनस्य याचमानाय जातरूपम् अदात् प्रभुः। जातरूपम्, जातरूपम् अर्थात स्वर्ण, पांचवा स्थान स्वर्ण का है। अच्छा, तो स्वर्ण में यदि कलयुग का वास है तो हम जो शरीर पर आभूषण धारण करते हैं क्या उसमें कलयुग रहता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं कहा है एकादश स्कंध में कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण के समान हूं। तो स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे होगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो धन अन्याय और अनीति से कमा करके इकट्ठा किया गया हो उसमें कलयुग का वास होता है, और जिस धन को आप न्याय पूर्वक कमा करके, नीति पूर्वक कमा करके, प्रभु को समर्पित करके उसे ग्रहण करते हैं उस धन में कभी भी कलयुग का वास नहीं हो सकता। इस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग को पांचवा स्थान भी प्रदान कर दिया। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के मुकुट को धारण करके शिकार करने के लिए वन की ओर गया। शिकार खेलते खेलते वह उत्तर दिशा की ओर आगे निकल पड़ा कि अपने सैनिकों से वह बिछड़ गया। तत्पश्चात उसे बड़ी जोर की प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए वह श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। यहां पहुंच करके राजा परीक्षित ने जल की याचना की है, परंतु श्रमिक ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि श्रमिक ऋषि उस समय ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। उनको तो पता ही नहीं चला कि राजा परीक्षित का आगमन हुआ है। राजा परीक्षित को इस समय क्रोध आया और क्रोधवश ही उन्होंने पास में मरे हुए सर्प को अपने बाण की नोक से उठा करके श्रमिक ऋषि के गले में पहना दिया। अच्छा, राजा परीक्षित की बुद्धि ऐसी उल्टी क्यों हुई? तो कहते हैं राजा परीक्षित ने जो पूर्वजों का मुकुट धारण किया हुआ था यह मुकुट था जरासंध का, जो जरासंध ने अन्याय पूर्वक राजा से कमाया था। पर इस मुकुट को भीम ने सहदेव से उसकी इच्छा के बिना ले लिया था, और इसी मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण किया और अनीति से कमाए गए इस मुकुट में कलयुग का वास होगा, जिससे राजा परीक्षित की मति बिगड़ गई और उन्होंने श्रमिक ऋषि का अपराध कर दिया। श्रमिक ऋषि के गले में वह मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित अपने महल लौट आए। इधर नदी के पास खेलते हुए
शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इसके बारे में पता चला कि किसी राजा ने उसके पिता का अपराध कर दिया है, तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, तो उन्होंने उसी समय अपने हाथों में जल लेकर के संकल्प किया कि इति लम्हे तमर्यादं तक्षतः सप्तमोहनि वंशति स्म कुलांगारं चोदितो मे ततत्रुहं। जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान कर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से सातवें दिन तक्षक नामक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि वापस लौट आए। पिता की उस स्थिति को देख करके उन्होंने अपने पिता के गले से सर्प को हटाया, उनकी गोदी में अपना सिर रख करके रोने लगे। पिता श्रमिक की निद्रा खुली है, तब उन्होंने सारा वृत्तांत जान लिया और कहने लगे कि अरे पुत्र श्रृंगी, यह तूने क्या कर दिया? जो राजा परीक्षित हमारे आश्रम पर आए थे, उनके जैसा धर्मज्ञ राजा इस पूरी पृथ्वी पर नहीं है। उनके जाने के बाद चारों ओर कलयुग अपना तांडव वेग फैला देगा। यह तूने बड़ा गलत किया। उसी समय श्रमिक ऋषि ने गौरमुख नाम के अपने एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा। राजा परीक्षित जब इधर अपने महल आए हैं और मुकुट को नीचे उतारा है, तब उनकी बुद्धि सही हुई है और वे पछताने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, इसके लिए तो मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। कि उसी समय गौरमुख नाम का वह ब्राह्मण वहां आया। उस गौरमुख नाम के ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आपने जिस महात्मा का अपराध किया है, उन श्रमिक महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया कि आज से सातवें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हुई है। राजा परीक्षित ने जब यह सुना तो वे प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैंने जो अपराध किया, मुझे उसका दंड मिल गया। राजा परीक्षित ने उसी समय अपना सारा राज्यपाट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप, स्वयं चीर वल्कल वस्त्र धारण करके अनशन व्रत लेकर के गंगा द्वार पर आ गए हैं और गंगा के तट पर स्थित होकर के वे अपनी मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं। देखिए भैया, जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु व्यक्ति की स्थिति नहीं देखती कि वह किस स्थिति में है। आप जिस स्थिति में रहेंगे, मृत्यु तो झपट्टा मार के आपको लेकर के चली जाएगी। राजा परीक्षित के पास भी यही स्थिति है। है चक्रवर्ती सम्राट इंद्र आदि देवता अगर भी जिसके सामने नीचे गद्दी पर बैठते हैं, ऐसे राजा है परीक्षित। इनकी भी मृत्यु एक न एक दिन आई है, इसलिए सज धज करके जिस दिन वह मौत की सहजादी हमारे पास आती है, न तो उस स्थिति में सोना काम आता है, न चांदी काम आती है। हम कितने बड़े हैं, हमारे पास कितना धन है, कितनी हमारी संपत्ति है, मान सम्मान कितना है, यह सभी धरा का धरा रहा। इसलिए भैया कहते भी हैं, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना
सजधज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जिस
दिन वह मौत की सहजादी आती है। उस दिन न तो आपका सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न कोई धन दौलत संपत्ति काम आएगी। आप तो जिस अवस्था में रहेंगे वह तो अपना समय लेकर के आपको लेकर चले जाएंगे। यही स्थिति राजा परीक्षित की हुई। आमरण अनशन व्रत लेकर के वे गंगा के तट पर आ गए हैं। जैसे ही तीनों लोगों में पता चला है कि राजा परीक्षित ने अनशन व्रत धारण कर लिया है कि उसी समय अत्रि वशिष्ठ श्यवन महर्षि पाराशर विश्वामित्र आदि सभी देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि राजा परीक्षित जी के पास पधारे। राजा परीक्षित ने सभी का पूजन किया है, पाद्य अर्घ्य आचमन प्रदान किया, यथा योग्य उनको नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना की है कि हे महात्माओं, मुझे यह बताओ कि जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। कोई ऋषि कहता कि शिव पुराण की कथा करा लो, कोई कहता कि देवी भागवत करा लो, कोई कहता कि भजन करो, कोई कहता कि जप करो, कोई कहता स्मरण करो, कोई भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तब राजा परीक्षित बड़े चिंतित हुए और उसी समय उन सबने प्रभु का स्मरण किया है। तभी वहां पर एक आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य? तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छयागाम अटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतोष्टो वृतस्य बालै रविधूतवेषः। वाक्या कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। तत्राभवत तत्र अभवत वहां पर प्रकट हुए। कौन? भगवान व्यास पुत्र। मात्र व्यास पुत्र नहीं, भगवान व्यास पुत्र, भगवान श्री कृष्ण व्यास पुत्र के रूप में वहां प्रकट हो गए। अपनी इच्छा से परिव्राजक संत हैं, भ्रमण करते रहते हैं। गाम पृथिव्याम अटमानः अपेक्षः। इस पृथ्वी पर चारों ओर विचरण करते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे। से प्रतीत ही नहीं होता कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। देखने से पता ही नहीं चलता कि ये कोई ऋषि है या कौन से आश्रम से है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, पता ही नहीं चलता। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्ट अपने आत्मा राम में मस्त निमग्न होकर के छोटे छोटे बालक उनको घेरे खड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये कोई पागल है और उनके ऊपर धूल और मिट्टी उड़ा रहे हैं। परंतु सुखदेव जी महाराज उन बालकों की उस कृत्य पर तनिक भी क्रोध नहीं कर रहे। वे तो मुस्कुराते हुए श्रीमद भागवत जी के श्लोकों का गान कर रहे हैं। अवधूत वेश में वहां स्थित है। अच्छा, इनकी आयु कितनी है? तो व्यास जी महाराज लिखते हैं, तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पाद, तम द्वष्ट वर्षम 2-8 वर्ष के
व्यास जी ने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ नहीं कह दिया कि 16 वर्ष के, उन्होंने लिखा द्वष्ट वर्षम दो 8 वर्ष के। ऐसा क्यों? वे तो 16 वर्ष 16 वर्ष भी लिख सकते थे। दो 8 लिखने का तात्पर्य यह है उनका कि 16 वर्ष की अवस्था आती ही मन में विकार उत्पन्न होने लगता है, परंतु श्री सुखदेव जी महाराज तो हर प्रकार के विकार से निवृत्त हैं। कोई भी विकार इनके मन में शेष नहीं, निवृत्त तृष्ण है, कोई भी कामना इनके मन में शेष नहीं। इस बात को बताने के लिए उन्होंने 2-8 वर्ष कहा। उन्हें देख करके सभी ऋषि अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों पर प्रणाम किया, उनको एक ऊंचा आसन प्रदान किया, उनको पाद्य अर्घ्य प्रदान करके उनकी वंदना की और तत्पश्चात उनसे प्रार्थना करते हैं। राजा परीक्षित क्या कहते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषस्ये हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं त्रिभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा द्रोहयत्वा विपर्ययम्। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे योगियों के परम गुरु, योगी नाम परम गुरु, योगियों के भी योगी उनके भी गुरु, जिस मनुष्य की 7 दिनों में मृत्यु होने वाली हो उसे क्या श्रवण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मुझे बताइए। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए, जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाती है वह व्यक्ति इस संसार सागर से आसानी से तर जाता है। सारे तीर्थ, सारे धाम, ये सभी गुरुदेव के चरणों में ही विराजित होते हैं। परंतु उसके लिए आवश्यक है कि हम योग्य शिष्य बने। यदि हम योग्य शिष्य होंगे तो हमें योग्य सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए हम श्री सद्गुरुदेव जी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करें, तत्पश्चात आज की कथा का यही हम विश्राम करते हैं। भजन का आनंद लेकर के हम आरती करते हुए भगवान को आर्त भाव से पुकारेंगे। आइए गुरुदेव का स्मरण करें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए अपने अपने गुरुदेव की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरु जाता है वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ में शारदा माता है, तू भी मुझसे बने हे गुरुदेव प्रणाम।
दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं इस बल से आप ही बात विधाता है आप ही बात विधाता है आप ही बात विधाता है क्या मन को रोगे मन को मिलता है आराम आपके चरणों में दुखिया मन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में जय हो सभी लोग खड़े हो जाएंगे स्थान पर आरती का थाल जला लेंगे सर्वे जजमानः सावधाना भवन्तु स्वस्वस्थाने आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थविवन्दनम् जल घुमा लेंगे आरती के थाल में हरि ओम ममा मनसो जातस्य गजो सूरजो अजायता श्रोत्रादवायुस्य वराणस्य मोघा दग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती हो तारों में गिरते
प्यार की में बसा कर तेरी मोहर दी उतारो मगिर दर तेरी आरती में बसा कर तेरी मोहर दी उतारो मगिर दर तेरी आरती Thank you.